भागीदारी भी रही है। आपकी कहानियाँ विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित एवं अनुवादित हो चुकी हैं। रंगमंच से गहरे जुड़ाव के कारण कथा लेखन के साथ साथ नाट्य लेखन की ओर उन्मुख हुए और भिखारी ठाकुर की प्रसिद्ध नाट्य शैली विदेशियों की रंगयुक्तियों का आधुनिक हिंदी रंगमंच में पहली बार अपने नाट्य लेखनों में सृजनात्मक प्रयोग किया। विगत कुछ वर्षों से आप कथा देश मासिक में रंगमंच पर नियमित लेखन कर रहे हैं। बसंत के हथियारे टूटी की आवाज़, बंधा है काल, वध स्थल से छलांग और पत्थर कट आपके कथा संकलन प्रकाशित हैं। अमली बटोही और धरती आवा आपके मौलिक नाटक और शूद्र रचित नृत्य कटिकम की पुनर्रचना माटी गाड़ी और फणीश्वरनाथ रेणु के उपन्यास का नाट्यांकन मैला आचल प्रकाशित है। इसके अलावा रंगचिंतन की पुस्तक रंगमंच का जनतंत्र प्रकाशित है और नई पुस्तक रंग अरंग भी प्रकाशित है। आपको अब तक कथा लेखन के लिए बनारसी प्रसाद भोजपुरी सम्मान, नाट्य लेखन नाट्य आलोचना और नाट्य लेखन के लिए डॉक्टर सिद्धनाथ कुमार स्मृति सम्मान मिल चुका है और आपने 2010 में यूके इंदु शर्मा कथा पुरस्कार से आप सम्मानित किए गए हैं। मुक्तांगन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं मंच पर आपको आमंत्रित करती हूँ। जैसा कि आपको विदित है, आज का हमारा जो कार्यक्रम है वो 2 सत्रों का है। पहले सत्र में हम ऋषिकेश जी के लेखन के विषय में उनसे बातचीत करेंगे और ये बातचीत करेंगी प्रत्यक्षा। उनकी एक छोटी सी आपको उनका परिचय मैं आपके सामने रखूंगी, जो उन्होंने खुद लिखा है और सुन के ही पता चल जाता है कि एक लेखिका का लिखा हुआ परिचय है। प्रत्यक्षा लिखती हैं, सोचती बुनती हैं और पावर ग्रिड में वित्त विभाग की नौकरी भी करती हैं। संगीत और लिबरल आर्ट में रुचि रखती हैं, इतिहास और समय के रहस्य में मनुष्य के अस्तित्व का संदर्भ खोजती हैं। हर एक महादेश में एक बार घूम लेना, हर समंदर के पानी को छू लेने की ख्वाहिश रखती हैं। इन जगहों के लोगों से मिल लेना, उनका खाना चख लेना, उनकी भाषा सीख लेना, मानिए कि इस एक जीवन में अनेक जीवन जी लेने की तमन्ना रखती हैं। मन की अंतरंग दुनिया में संतोष हर्षे कमायनी और विस्ती हैं। कुछ बहुत प्यारे फक्कर दोस्त हैं जिनका नाम भी न लूँ तो भी वो जानते हैं कि वो कौन हैं। बहुत सी किताबें, अनंत स्मृतियाँ और बहुत पास तरीके आपके माँ पापा हैं। किताबें जो आपने अब तक लिखी हैं वह जंगल का जादू, तिल, पहर दोपहर ढूंढी, एक दिन मराकेश, तुम मिलो दोबारा, तैमूर तुम्हारा कोड़ा किधर है और बारिश कर, अंग्रेजी में आपकी 2 किताबें रेन सॉन्ग और मीट मी टुमारो प्रकाशित हो चुकी है। आपको कई सम्मान से सम्मानित भी किया गया है, जिसमें 2012 में इंडो नॉर्वेजियन पुरस्कार से अंग्रेजी कहानी दैट आई पी क्या है सम्मानित का सम्मान मिला। नॉर्वे के अंतर्राष्ट्रीय लिटरेचर फेस्टिवल के में आपकी सहभागिता रही है। इसके अलावा आपको सोनभद्र कथा सम्मान, इंडो नॉर्वेजियन पुरस्कार, कृष्ण बलदेव वेल्थ फेलोशिप, संगम हाउस रेजिडेंसी की आप फेलो रही हैं और साथ ही आपको हंस कथा सम्मान से भी सम्मानित किया गया है। प्रत्यक्षा, मैं आपका मंच पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। 1 घंटे का समय है आप लोगों को इस सत्र में, जिसमें की बातचीत सुलभ जी के लेखन से होगी। उसके बाद का सेशन पहले जिस तरह निर्धारित था कि हम चाय के लिए रुकेंगे और फिर हम सेशन प्रारंभ करेंगे, उसमें थोड़ी तब्दीली हुई है। हम दूसरा सेशन इस सेशन के तुरंत बाद ही शुरू करेंगे ताकि एक कंटिन्यूटी बनी रहे और उसमें हम जानेंगे सुलभ जी के बारे में ऐसी बातें जो उन्होंने ना लिखी हैं ना हमने कहीं पढ़ी हैं, उनका जीवन। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मुक्तांगन, आराधना और राकेश जी का शुक्रिया कि कितनी सुंदर शुरुआत परचम फ्लैट बेयरर्स और सबसे इस शानदार श्रृंखला की पहली कड़ी में हुएल्स
सब सुलभ जी ही हो सकते थे और कौन। वो जितने समर्थ कथाकार हैं उतने ही सहज आत्मीय स्नेहिल उनकी शख्सियत है। और मुझे इतनी खुशी हो रही है कि ये मौका मुझे मिला इनसे बात करने के लिए। तो आपका स्वागत है। शुक्रिया। अच्छा, सबसे पहले तो मैं मुक्तांगन का और आराधना पिता राकेश बात करूँगा कि याद किया इस अवसर पर। और मैं सचमुच बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि अपने बात की पूरी को दो समर्थ लेखकों के साथ निकटता आत्मीयता ये सब का बहुत महत्व है जीवन में। लेकिन उसके साथ साथ यह बहुत महत्व है कि आपसे आप जिनके सामने बैठे हो वो आपसे बड़े व्यक्ति हैं। आप सब आने वाले समय के बहुत बड़े रचनाकार हैं। तो मेरे लिए ये बहुत सब है। ये भी इनका बड़प्पन है, इनका स्नेह है हम सबके ऊपर। अच्छा, आज चूंकि ये बहुत थोड़ा इनफॉर्मल सी गैदरिंग है तो हम मजे मजे से बात करेंगे, बहुत बातचीत ही होगी। सुलभ जी की जितनी रचनाएं मैंने पढ़ी है उससे मुझे एक चीज बहुत इम्पोर्टेंट लगती है कि आपने अपने समकालीन की जो आहट है वो आपकी सब कहानियों में मिलती है। तो वो चाहे गांव की कहानी हो या कस्बे की कहानी हो या शहर की कहानी हो, चाहे वो एक आपकी कहानी मुझे ध्यान आ रही है फेसबुक की के दुनिया की कहानी है, उदासियों का बसंत है चाहे वो कहानी, तो हर कहानी में और जब ये गांव की कहानी भी लिख रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि वो वाला गांव है जो हम लोग एक स्मृति में याद करते हैं कि गांव ऐसा था। इनके गांव की जो पृष्ठभूमि में जो गांव है वो आज के समय का बदलता हुआ गांव है। और ये समय से जो बदलाव आया है इस दुनिया में, चाहे वो गांव में हो या शहर में हो, उन सब चीज़ों को आपने बड़े बहुत महत्वपूर्ण तरीके से दर्ज किया है। तो आपकी एक ये चीज़ दूसरे की जब आप लिखते हैं तो वो जो कहानियाँ हैं बहुत सहज तरीके से बढ़ती हैं और उस सहजता के पीछे हर बार मुझे लगता है एक दिल है जो हकदम धड़क रहा है हर कहानी के पीछे। तीसरी बात जो मैं बहुत मेरे लिए इम्पोर्टेंट है कि एक लोग हमेशा आपके कहानियों में जीवित है और उसका टेक बार बार आपकी कहानियों में आता है, चाहे वो आंचलिक शब्द हो चाहे गीत हो। और फिर आपका जो रंगकर्म है वो कोई अलग से हम उसकी बात करेंगे। तो इन सब चीज़ों के परिवेश में एक चीज़ और मुझे जो आपकी कहानी से जोड़ती है वो ये कि कभी शेरवुड डैगरसन ने विलियम फॉकनर को बोला था कि वापस मिसिसिपी जाओ और उन चीज़ों के बारे में लिखो जिसको तुम जानते हो। तो वो लौटे और उन्होंने ऐसी कहानियाँ रची और ऐसे किरदार रखे कि उनके बारे में कहा गया कि ही डज नॉट क्रिएट कैरेक्टर, ही राइट्स देम। तो वही चीज़ मुझे आपके लेखन में लिखता है, जैसे वो सब लोग आपके आमने सामने एकदम खड़े हो जाते हैं जीवन। अब इस सब बैकग्राउंड में मैं आपको ये पूछूंगी कि आपने लिखना क्यों शुरू किया, क्या चीज़, कौन सी विजन थी जो आपको लिखने की तरफ लेके आ गई? देखिए, दो बातें हैं। लिखना पहली कहानी मैंने लिखी थी, मेरी उम्र मुश्किल से उस समय 16 की उम्र थी और निश्चित रूप से वो प्रेम करने की उम्र होती है, कहानियाँ लिखने की उम्र नहीं थी। तो लेकिन वो कहानी थी, उसका सिर्फ शीर्षक मुझे याद है, वो कहानी भी नहीं है मेरे पास। दिल्ली की एक पत्रिका थी बच्चों की, किशोरों के लिए निकलती थी बच्चों के लिए, बाल रंग भू, उसमें वो कहानी छपी थी और बांग्लादेश के युद्ध। फिर मैंने कहानी मैंने लिखना बंद कर दिया, दूसरे काम पढ़ाई लिखाई और इधर जो काम होते हैं। मेरा संकट ये रहा है कि मैं जहाँ पैदा हुआ वो भारत का एक पिछड़ा इलाका है, हमारा बिहार का, बिहार के जो गांव हैं वो आर्थिक रूप से बहुत जबकि बहुत उर्वरा भूमि है। तो 13 साल की उम्र में पिता मुझे पटना लेकर चले आए
वे स्वयं विस्थापित हुए और उन्होंने मुझे विस्थापित किया, अच्छी शिक्षा दी गई। मैं हर महीने गांव जाता हूँ, 10 दिन के बाद भी जा सकता हूँ, हो सकता है कि गांव जाकर लौटूं फिर तुरंत चला जाऊं, लेकिन मैं विस्थापित हूँ अपने गांव से। वह जाना पर्यटक की तरह भी नहीं है, लेकिन वह जाना वहाँ बसे हुए लोगों की तरह भी नहीं है। तो यह जो विस्थापन है, मुझे लगता है कि मेरे जीवन का सबसे बड़ा दुख है, अपनी भूमि से उखड़ जाना, जहाँ मैं आज भी चाहता हूँ रहना, जो मैं रह नहीं सकता, सिर्फ चाह सकता हूँ रहना। तो ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा शोक है। और फिर मैं जब सोचता हूँ, तो मुझे ये दुख पूरी दुनिया में पसरा हुआ दिखाई पड़ता है। सिर्फ अपने देश और भारतीय समाज की बात में नहीं कर रहा, पूरी दुनिया में यह विस्थापन का दुख पसरा हुआ। इसको थोड़ा और आप दूसरे ढंग से देखें तो पिछली शताब्दी में इस भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे बड़ा शोक विस्थापन रहा है, भारत पाकिस्तान के बंटवारे का। तो मुझे लगता है कि ये अकेला मेरा दुख नहीं है, मेरे जैसे हजार हजार लोगों का, असंख्य लोगों का दुख है। यह दुख जब कोई दुख आपके साथ होता है, मुझे लगता है कि मैं दुख को बड़े अर्थों में ले रहा हूँ, उसको बहुत ही थोड़ा विस्तारित करके एक लेखक के रूप में आप जब देखेंगे, एक पाठक के रूप में भी जब आप, तो मुझको लगता है कि दुख और ऐसे दुख आपको रचने के लिए बेचैन करते हैं, आकुल करते हैं। और मुझे याद है कि हमारे गांव में एक नीलही कोठी हुआ करती थी, जो ढह रही थी। उस नीलही कोठी के एक हिस्से में मरे हुए जानवरों की हड्डियां रखी जाती थी, बहुत बदबू आती वहां। बाद में वो नीली कोठी अब तो है नहीं, उसकी ईंट ईंट लोग उखाड़ कर ले गए। वो नीलहे एजेंट की कोठी थी, और जब सिवान का लिंच जब भागा था, मैक्डोनाल्ड जब ये सब भागे थे, तो वहाँ जो अफीम का एजेंट था, अफीम की और नील ये दो व्यवसाय थे उन इलाकों में, तो उस समय की वो नीलही कोठी थी अंग्रेजों के समय। तो मेरे बचपन में वो ढहती हुई नीलही कोठी थी, उसकी दीवारें हरे रंग की, सबुज रंग की हो गई थी काई से, और उन दीवारों पर मैं एकांत जीता था, अकेले दो दो चार चार घंटे उस वहाँ जाता था और ठीकरे से उस हरे रंग की काई को काटता था और चित्र बनाता था। तो ये वहाँ इत्तेफाक है, मैं तो चित्र बनाने चला था, एक क्रिएटिव आदमी मैं लेकर। तो अभिव्यक्ति, दुख की अभिव्यक्ति, देखिए आप सुख को और दुख को दोनों का जब अतिरेक होता है तो आप उसको बिना अभिव्यक्त किए नहीं रह सकते। जब वो आपके भीतर उमड़ते इस तरह आपके भीतर वो रच बस जाता है कि आपके व्यक्तित्व का हिस्सा बनने लगे, तो आप उसको बार बार अभिव्यक्त करना चाहते हैं, कभी कलम से, कभी आँख से, कभी नाक से। आप चाहते हैं कि घुटने भी आपके जो हैं ये भी आँख बन जाए और आप उसे देखने लगे। अजीब बेकली, अजीब आपको किसी ऐसे स्पेस में ले जाता है जहाँ दुनिया सारी विरूपता के बावजूद भी बहुत खूबसूरत और बीती है। देखिए जिस समय लेखक यह मान के चलता है वो दुखों को लिख रहा होता है जरूर, वो विरूपताओं को, विषमताओं को कर रहा होता है जरूर, लेकिन उसके स्वप्न में सुंदर दुनिया होती है, एक पूरा भरा पूरा धड़कता हुआ जीवन होता है, जहाँ जीवन का ऐश्वर्य, जिसको आप जीवन का वैभव जिसको आप कहते हैं, उसके स्वप्न में वही शामिल होता है। अब अपनी उन स्वप्नों को, जीवन की उस ऐश्वर्य और वैभव को पाने के लिए
वो जिन रास्तों की तलाश करता है वो विरूपताओं से होकर गुजर सकते हैं, विषमताओं से होकर गुजर सकते हैं, दुख से पीड़ा से तरफ गुजर सकते हैं। तो ये मैं मानता हूँ कि बहुत सुंदर है हमारी दुनिया, हमारा जीवन बहुत सुंदर है, उसमें बहुत कुछ ऐसा है जो मनुष्य के रूप में हमको इतना जीवंत, इतना प्राणवान, इतना तरल बनाता है कि हम देखते देखते पूरी दुनिया में छा सकते हैं, बह सकते हैं। लेकिन उसके रास्ते जो होते हैं, जिसको लेखक तय करता है, वो रास्ते कठिन भी हो सकते हैं, पथरीले हो सकते हैं, दुख और अभाव, संघर्ष, तमाम जो भी आप कह लीजिए उनसे भरा हो सकता है। अच्छा, जब हम लिखते हैं तो कई बार हम देखते हैं कि वो जो किरदार है उसको उसको लिखना भी एक, जैसे हम सब कोलंबस हैं और कोई दुनिया खोज रहे हैं और किरदार जब आप लिखते हैं वो बहुधा आपके हाथ से बाहर निकल जाता है। कभी कभी कोई बहुत परिचित है वो अंतरंग में बदल जाता है, या कोई दोस्त है वो दुश्मन हो जाता है। और आपने कहीं कहा है कि बहुत से ऐसे पात्र हैं आपके जो आपका पीछा नहीं छोड़ते और हर नई कहानी में नए तरीके से घुसने की कोशिश करते हैं जी। तो आपके ऐसे कौन से पात्र हैं? अभी पिछले दिनों बिल्कुल हाल ही में अभी मैं वंदना और लगभग इसी विषय पर लोगों की बातचीत थी, बहुत रोचक बातचीत थी। मेरे साथ ये संकट जैसे एक उदाहरण दूँ, एक बिल्कुल अलक्षित कहानी है मेरी जिसको कम लोगों ने पढ़ा, जब तवक्को ही उठ गई थी कहानी, या कहानी एक एक अति क्रांतिकारी की कहानी है जो हमारे यहाँ जो राजनीति के जो कई धाराएं हैं उसमें से, और 14 साल लगा उस कहानी को पूरा करने में। मैं ये नहीं कह रहा कि वो कहानी बहुत अच्छी है, ये भी नहीं, लेकिन मुझे 14 साल लगा उस कहानी का। मैंने उसको लिखना शुरू किया फिर छूट गया, और शायद ही कोई ऐसा दिन रहा होगा उसका नायक प्रतोष एक बार 24 घंटे में मेरे साथ न टकराया। वधस्तक से छलांग कहानी जब लिखी मैंने, उसका राम प्रकाश तिवारी, जब मैं काबर झील का पाखी लिख रहा था तो बाबा खड़ा हो जाता था मेरे साथ, कहता था कि नहीं मैं हूँ, मैं वापस लौट आया हूँ। और अंततः एक स्मृति के रूप में उसको मुझे उसमें दर्ज करना पड़ा, एक बात उसको याद करता, हमने कहीं से पीछा छुड़ाना बहुत जरूरी है, कोई कहानी पर बात करते तो ये करना पड़ा। तो ये होता क्या है कि कई बार आपके बाद, क्योंकि देखिए एक ही जीवन में कई कई जीवन धरना होता है, लेखक को एक ही समय में अपने पात्र का जीवन भी धरना होता है, और उससे उतनी निर्मम तटस्थता बनाए रखनी कि बहुत ये धूप छाई खेल है कि आपको तटस्थ भी रहना है और उसको कहीं ना कहीं आप जी भी रहे। ढेर सारे पात्र हैं ऐसे, और कई बार तो आपकी बाह पकड़ कर तो वो इस तरह चलते हैं, इस हक के साथ चलते हैं, वही कहानी लिख रहे हैं, आपको लेखक मानक सतर्कता बरतनी होती है, निर्मलता बरतनी होती है, उससे अपना मोह का रिश्ता जो है उसको तोड़ना पड़ता है। अगर आप नहीं तोड़ते हैं तो फिर वो आपको कहीं दूसरी जगह लेके जाए तो वो मनमानी करेगा। और ये खासतौर पर जब लंबी कहानियाँ आप लिखते हैं तो ये संकट और होता है, और मेरी अधिकांश कहानियाँ थोड़ी लंबी है, काया में बहुत छोटी कम कहानियाँ मैंने लिखी है, ठीक है। जैसे आप कह रहे हैं ना कि वो इतने साल तक आपके साथ रहा, आपको लगता है कि लिखना एक एक बहुत ही एक मेटाफिजिकल काम भी है। और जैसे कई लोगों की ये बात हमने सुनी ना बड़े लेखकों की कि उनको सपने में आ जाता था, शायद कुलब्रिज ने कुबला खान को ऐसे ही लिख दिया, या गिन्सबर्ग ने सनफ्लावर सूत्र ऐसे लिखा। तो आपको ऐसा लगता है कि जब आप लिख रहे हैं तो चीज़ें स्वतः आ रही हैं, आपके मेथड में नहीं लिख रहे हैं? देखिए दो तीन चीज़ें हैं, लेखक आरंभिक दौर में थोड़ी मशक्कत दूसरे किस्म की होती है,
लेकिन जब आप कुछ लिख लेते हैं, क्योंकि यह क्राफ्ट का भी मामला है, आप इसको ऐसे ही बिल्कुल कोई ईश्वरीय शक्ति की तरह, प्रसाद की तरह नहीं ग्रहण कर सकते, यह क्राफ्ट का भी मामला है, आपके हुनर का मामला है, आपका कौशल, और वह कौशल वह हुनर आप जो लिखने जा रहे हैं उसी के भीतर छुपा हुआ है। प्रभु जी से पिछले दिनों बात करते हुए मैंने ये बात कही, कहानी की भाषा को लेकर बात करी, कि हर कहानी की भाषा और उसका शिल्प दोनों कहानी के यथार्थ के भीतर छुपा होता है। आप उसको बिल्कुल ठीक है, अभी एक बहुत रोचक बात आपको बताऊं, पसंद आ गया है इसलिए बता रहा हूँ। एक बात मैंने स्वप्न देखा कि नर्मदा में आप जो भी गया होगा जबलपुर, जब आप धुआंधार जाएंगे तो देखेंगे कि शिवलिंग दुनिया भर की मूर्तियाँ वहाँ बनती हैं और बिकती हैं। मैंने देखा कि नर्मदा में सारी मूर्तियाँ बह रही हैं और मैं छान रहा हूँ उसको। फिर उम्मीद खुली, मैं एकदम परेशान, सारा कुछ सारी मूर्तियाँ बही जा रही हैं और मैं उसको छान रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि न बह पाए। संगमरमर के जो दरारें हैं टूट टूट के सब गिर रहा है उसमें नर्मदा के, तो मैंने जबलपुर फोन किया दूसरे दिन सुबह वहाँ के एक लड़की को, जो कविताएं लिखती है बहुत अच्छी कविताएं लिखती है, मैंने कहा देखो मैंने ऐसा देखा है सो। तो उसने कहा कि आप एक कविता लिख डाली, मैं पता नहीं लिख पाता, लेकिन मैंने कहा कि जबलपुर तो मैं ये सब बाहर जा रहा है, जबलपुर तो मैं तुम्हारे और अरुण पांडे के भरोसे जबलपुर छोड़ आया था, तुम लोगों को सौंप क्या आया था ये सब बात कैसे यार, चुहल करते हुए मैंने कहा। बात मैंने बहुत कोशिश की उसके कहे अनुसार कि मैं कविता लिख लूँ या कोई कहानी का दृश्य रच लूँ, कहीं कुछ सुबह नहीं हो सका मुझसे। भाई स्वप्न के कारण होते हैं, और जिन चीज़ों में आप बिल्कुल आत्मिक रूप से उलझे हुए होते हैं, जो अवचेतन चेतन जो स्वप्न की परिभाषाएं जो मनोविज्ञान के विद्वानों ने दी है, तो स्वप्न आपके काम आ सकता है, स्वप्न एक हिस्सा हो सकता है। स्वप्न कभी आपकी रचना को, उसको क्या कहेंगे, उसको थोड़ा एक्टिवेट कर सकता है, लेकिन स्वप्न आपकी इस तरह के देखे हुए स्वप्न आपकी रचना का आधार नहीं है। जागती हुई आंखों से देखे गए स्वप्न ही कहानी कविता या उपन्यास में रचे जा सकते। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपकी एक कहानी है नदी, जो मुझे पढ़ के जितनी अच्छी लगती है उससे ज्यादा आपसे सुनने में उसको मजा आता है। वो कहानी उसमें गजब किस्म का एक राग है, संगीत है, और उसको पढ़ते हुए मुझे ब्लूज चैप्टर की सॉन्गलाइंस बहुत याद आती है। उसमें एक हिस्सा है कि जो आदिम पुरखे हैं उन्होंने जंगल गाया तो जंगल बन गया, उन्होंने नदी गाई तो नदी बना, और इस तरह गा के उन्होंने पूरे संसार को क्रिएट किया। तो नदी जो कहानी है उसको पढ़ते मुझे हमेशा लगता है कि जो विलुप्त नदी है, आजादी के पाँव तलबे की गुदगुदी है, और एक जो प्रकृति से हम एकजुट हो जाते हैं उसकी पूरी कहानी है। और प्लस जो आप पढ़ते हैं, मतलब एक जो वाचन शैली, वो लगता है कि आप किसी पारिवारिक फेरे में बैठे आपसे सुन रहे हैं, उसके बारे में क्या होगा? देखिए वो ये हुनर है, अर्जित कर सकता है कोई, कोई बहुत विशेष बात नहीं है, क्योंकि मेरी नौकरी का हिस्सा रहा है। तो कहानी पढ़ना, कविता पढ़ना, रघुवीर साहब कहते थे कि हिंदी के 95% कवियों को अपनी कविता का पाठ कर लिया है, हिंदी के कहानीकारों की भी वही स्थिति। तो थिएटर से थोड़ा जुड़ा होने के कारण, रेडियो में नौकरी करने के कारण, पढ़ने का जो एक तौर तरीका होता है प्रोफेशनली उसको हम लोगों ने सीखा है। इसलिए दूसरी बात जो उस कहानी के बारे में, कि पूरी कहानी कहानी है, जो जिसे मैंने एक बैठक में लिखी, बहुत छोटी कहानी है, मेरी अब तक की सबसे छोटी कहानी, इतनी छोटी कोई कहानी नहीं, तो बहुत स्लो है वो, एक बैठक में लिखी हुई कहानी है। और वह कहानी
कोशी का जो प्रलय था उस प्रलय के कुछ दिनों बाद में यात्रा पर गया था मैं रहा हूँ पूरे इलाके में 6 साल तक तो उस इलाके की हर एक नदी जो लुप्त हो चुकी है जो अपना स्थान बदल चुकी है उन राहों पर भी मैं चला हूँ जहाँ लीक बन गई है लोग अब चलते हैं कल नदी बहती थी तो उन पर भी चला हूँ और जो नदियाँ अभी बह रही हैं उस इलाके में उनके भीतर भी चला हूँ तो जब कोशी के प्रलय के बाद में जब गया था तो एक धारा एक नदी की एक धारा लुप्त हुई थी और उस लुप्त हुई धारा पर लोग अपना अपनी झोपड़ियां डाल रहे थे खड़ा कर रहे थे और बांग्लादेश से आए हुए जो मजदूर हैं वो रंगीन बहुत ही खूबसूरत झोपड़ियाँ बनाने में माहिर होते हैं कुशल कारीगर होते हैं बांस की पट्टियों को करते हैं तो लगभग वही उस कहानी का बीज मेरे भीतर आया था और एक तरह से आप देखिए तो वह दादी या वह बूढ़ा जो अपने पोते को वह गुदगुदी चाहता है कि नदी नीचे जो बह रही है उससे जो गुदगुदी उसकी दादी के पाँव में होती है उसके पोते के भी पाँव में होने लगे लेखक भी तो वही होता है लेखक के भी पाँव में तो धरती के नीचे जो कुछ है वही गुदगुदाता है आप जो जीवन देख रहे होते हैं ये सब कुछ जो फायदा हुआ है विस्तारित है आप सिर्फ इसको नहीं लिखते हैं आपकी नजर इसको भेद करके जब नीचे उतरती है उसी तरह लेखक का भी वही काम है तो कहीं ना कहीं मैं हूँ उसमें आप उसको देख सकते हैं आप जिस स्वप्न की बात कर रहे हैं वह स्वप्न है उसमें वह स्वप्न है उसमें आपके लिखे से मुझे एक बहुत बड़ी चीज जो लगती है कि आपका जो लेखक है और आपका जो व्यक्ति है उसमें कोई विरोधाभास नहीं है आमतौर पर ऐसा बहुत रेयर क्वालिटी है कि जो लिख रहे हैं और जो है सचमुच के जीवन में उसमें बहुत ही डाइकोटमी है लेकिन आपके में वो नहीं दिखता आपके जो सरोकार है आपकी जो कमिटमेंट है और मैं एक चीज और बोलूं कि आपकी जो निश्चल हंसी है वो बिल्कुल आप वो बिल्कुल एक विंडो है जो आपके आपके भीतर के बच्चे को बाहर लेके आती है अच्छा ये गुण भी है और अवगुण भी ये गुण ही है इसको आप पहले ही मान ये लेखक के लिए अवगुण भी बहुत बड़ा है ये आप जो जैसा लिख रहे हैं वैसा ही लिखे ये अवगुण भी है आप लगता है मिस्ट्री खत्म हो जाती है ये अवगुण भी है दुनिया के जो बड़े लेखक हुए हैं वो अधिकांशतः जो हम नहीं हो पाए ना हो पाएंगे पता नहीं वो जो दिखते थे कई बार वो लिखते नहीं थे उनके जीवन और उनके लेखन में भी बड़ा विरोधाभास रहा है जबकि उस विरोधाभास में भी एक संगति है एक दूसरे में विन्यस्त है तमाम चीज़ें जब आप किसी लेखक के जीवन को मैंने अपनी एक कहानी में ही बुझाए कहानी है उसमें एक संवाद आता है जो मैंने वर्णन शाह की एक पंक्ति थी कि लेखक का जीवन सुघड़ औरत का वार्डरोब होता है उसमें हाथ ना डालिए उसमें हाथ डालिएगा कब क्या निकल आए इसको पता नहीं वो औरत जो बहुत अस्त व्यस्त ढंग से अपना रखती तो बल्कि इसी पंक्ति को लेकर पहला दृश्य बुझाए का मैंने बुना कैसे वो कुसुम कुमारी उनके वार्डरोब में हार डालते हैं उनके पति और पूरी कहानी यहाँ चिट्ठियाँ मिल जाती हैं प्रेम पत्र वहीं से सब कुछ शुरू तो ये है तो लेखक का जीवन देखिए है क्या सच पूछिए तो मनुष्य नकली जीवन जीते जीते थक जाता है एक समय आता है तो वो खुद थका हुआ महसूस करता है और वो चाहता है कि वो आवरण वो केचू निकाल कर फेंक दे और जैसा है वैसा ही चाहिए लेकिन ये कर नहीं पाता है कई चीज़ें इससे जुड़ी होती हैं कहीं धन का मामला होता है कहीं यश और प्रतिष्ठा का मामला होता है कहीं रिश्ते निभाने होते हैं है ना क्योंकि इन्हीं की बुनियाद पर सब कुछ खड़ा हुआ होता है तो चाह करके भी तो ये जितनी जल्दी इसको निकाल कर फेंक दिया जाए वो बेहतर होता है मैं नहीं जानता कि मैं कितना निकाल पाया हूँ लेकिन जो अभी का हमारा पूरा समाज है मैं जहाँ से आया हूँ
ऐसा नहीं कि वो अहा ग्राम्य जीवन हो रहा, वहाँ कम पेच नहीं है, वहाँ कम हिंसा नहीं है, शहर से ज्यादा हिंसा है गाँव में जहां से मैं आया हूँ। लेकिन उसके साथ साथ एक भरोसा, एक विश्वास, मनुष्य के प्रति आस्था, प्रकृति के प्रति, मिट्टी के प्रति, या जो भी हमको मिला है उसके प्रति एक गहरा विश्वास अभी आपको गांव के जीवन में मिले हैं, जो शहर के जीवन में हम इसलिए मिस करते हैं कि यहाँ बहुत भागदौड़ है, हमको क्षण भर के लिए, पल क्षण के लिए विलंब करके वो सोचने की फुर्सत नहीं है हमारे पास, फुर्सत वहां भी नहीं है, लेकिन वहां ये वहां की परंपरा में यह शामिल है। हो सकता है कि वहां से ये अर्जित किया हो, या मुझे जीवन में सिर्फ अच्छे अच्छे आप जैसे लोग मिले हो जिनको देख करके हमने ये सीखा। ये सच है कि आप अकेले नहीं बनते, आपकी निर्मिति में, आपको लगता है कि आप बहुत बड़े किस्मार खान हैं, लेकिन आपकी निर्मिति में दूसरों का इतना बड़ा योगदान होता है, वही योगदान आप फाइनल प्रोडक्ट अपना नहीं होते, दूसरों का होते, दूसरे आपको बनाते हैं अगर आप सजग हैं, आप खोल करके दुनिया देखना है। जी जी, आपके कुछ तो ऐसे पसंदीदा लेखक होंगे जिनको पढ़ के आपको बहुत अच्छा लगा होगा, या जिनके जैसे आप लिखना चाहते होंगे, या ऐसे भी होंगे जिनके जैसे आप बिल्कुल लिखना ना चाहते हो? देखिए, भिखारी ठाकुर जो हमारे सबसे बड़े लोग पोएट, मतलब लोक कवि, लोक रंगकर्मी, लोक नर्तक जो कहने हैं, उनकी इच्छा थी मैं तुलसीदास को इच्छा यही थी, उसी तरह बल्कि रहने होने भी लगे थे बाद में। सच पूछो किसी भी भारतीय लेखक जो पूरा अपना वांग में पढ़ रहा है और उससे परिचित है, उसकी इच्छा तुलसी ही होने की, हिंदी का इससे बड़ा कवि नहीं है। ये कि जो आपके जीवन में पूरी तरह समा जाए, आपके आपके रक्त में घुल जाए, ये ऐसे लोग हैं जो हमारे रक्त में घुले हुए हैं, हम चाहे जाने अनजाने, उनकी पंक्तियां न भी याद हो तो भी उनके कहे के अनुसार हम आचरण करते चलते हैं। जहां तक मेरा सवाल है, सीता में आता हूँ, रेणु मेरे सबसे प्रिय लेखक, सबसे प्रिय, प्रेमचंद हम सबके पूर्वधार हैं, प्रिय प्यार में रेणु से करता हूँ, मैं भी प्रेमचंद मेरे पूर्वज हो सकते हैं, मेरा प्रेम, मेरा प्रेम रेणु। और दुनिया की दूसरी भाषाओं के लेखकों को बहुत ईमानदारी से आपके सामने कहूँ कि मैंने बहुत कम पढ़ा है, बहुत कम पढ़ा, जितना एक लेखक को जितना पढ़ना चाहिए ये भी मुझे सही से नहीं मालूम है, लेकिन जितना भी पढ़ना चाहिए मुझे लगता है कि उतना मैंने नहीं पढ़ा। आरंभिक दौर में खूब पढ़ा, लोगों ने जब पढ़ने की भूख हुआ करती थी, लगता था कि लेकिन उसकी बीमारी नहीं थी कि सुबह पढ़े और शाम को उगल देते थे कहीं जाकर दोस्तों के बीच जाकर, तो वो एक जो किशोर उम्र छूट रही थी हाथ से, और तो उस समय का जो पढ़ा हुआ था तो बहुत कम पढ़ा है दुनिया के पढ़े लिखे, लेकिन पढ़ा है, थोड़ा बहुत पढ़ा है। उसमें सबसे ज्यादा तो बाहर के जिन लेखकों ने मुझे प्रभावित किया, उसमें सबसे ज्यादा मुझे लगते हैं, मुझे अपने लगते हैं, लगता है कि इस आदमी ने पूरे पूरे जीवन को बदल देने की ताकत जिसके पास है, आपको आप जिस रूप में हैं ठीक उससे विपरीत बना देने की शक्ति, अलग आपको रच देने की शक्ति, 30 साल 40 साल की आपकी उम्र है मान लीजिए, और उस 40 साल में दुनिया भर की रूढ़ियां, दुनिया भर की चीजें आपने अपने लिए पाल रखी हैं, और एक लेखक को आप पढ़ते हैं वो आपको आमूलचूल बदल देने की ताकत रखता हो, नए मनुष्य के रूप में आपका पुनराविष्कार हो जाता हो जिसके पढ़ने से।
का कोई मुकाबला नहीं। और भी कई लेखक हैं, मुझे प्रिय हैं, उनको पढ़ता रहा हूं। और मार्केट जिनकी बहुत चर्चा हुई, जिनकी ज्यादा, और आज वो सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाले लेखक, मुझे तो लगता है कि वो भारत का लेखक है। जिस जादुई यथार्थ की बात हम लोग करते हैं, पर तो हमारे गांव में पसरा हुआ, फैला हुआ, हर घर में, हर ब्रह्म स्थान पर, हर सती चौरा पर, हर नदी के किनारे, हर पोखर तालाब के किनारे मार्केज कहानियां भी। मार्केज को पढ़ता हूं तो मुझे लगता है कि तू मेरे गांव का लेखक है, वहां से लिख रहा है। ये है। अब जो हमारे बड़े लेखक हुए, जो गद्यकार हुए, आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि कई कविताएं, मैं आज भी सबसे ज्यादा कविताएं पढ़ता हूँ, मुझे कविताएं पढ़ना प्रिय है। मैं अगर 10 कविता की किताबें पढ़ता हूँ तो एक गद्य की किताब मैं लिखता गद्य हूँ, मैं पढ़ता कविता हूँ। उसका कारण है, उसका कारण ये है, अभिव्यक्ति की जो सांद्रता हो, कंसंट्रेटेड जिसको आप कहते हैं, वह कविता से गद्यकार को सीखना चाहिए। और यह मेरा कहा हुआ नहीं है, लेकिन मैं इस बात को दोहरा रहा हूं, बढ़िया गद्य कविता तक पहुंचता है, कविता नहीं होता, अच्छी कविता गद्य तक पहुंचती है, वो गद्य नहीं होता। तो कविता में जो अभिव्यक्ति की सांद्रता है, उसको अर्जित करने के लिए अपनी कहानियों में भी, वो हुनर सीखने के लिए भी मुझे कविता की लत है, मुझे कविता पढ़ने की लत जिसको आप कहते हैं। और उसमें मैंने कोशिश की है कि दूसरी भाषाओं के, विदेशी भाषाओं के लेखकों को पढ़ सकूँ, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सकूँ, अपनी भाषा में एकदम जो वाचिक परंपरा है, उस वाचिक परंपरा की जो कविताएं हैं जिनको आप और हम गीत कहते हैं, उनके ज्यादा से ज्यादा निकट जा सकते। आपने जिस लोग की बात की थी, उसका कारण यही है कि ऐसे ही विषाक्तता आते जाते अपने दिनचर्या में उलझे हुए मेरे होठों पर लोकगीत होता है, कोई पंक्ति होती है, मेरी स्मृति में कुछ पहुंचता है, अगर कोई तो वो वही होता है, और कविता ही होती फॉर्म गीत हो, लोकगीत हो, जो मुझे कविता बहुत प्रिय है। व्यक्तिगत रूप से मैं उससे अपने को, अपने गद्य के लिए टूल्स भी अर्जित करता हूँ, कारण उसके लिए अर्जित करता हूँ, ये मेरी कोशिश। आपने रेणु की बात करी और पहला आंचल का आपने, हाँ, और नाट्य रूपांतर आपने किया उसका। देखिए, वो बहुत बड़ी त्रासदी थी वो नाट्य रूपांतर। दुनिया की अच्छी रचनाओं का न तो अनुवाद हो सकता है, न रूपांतरण हो सकता है, बहुत कठिन काम किया मैंने। और उसकी प्रस्तुति हुई, चूँकि आप जानती हैं कि नाटक सिर्फ लेखक का, नाटककार का नहीं होता है, नाटक जब लिखा जा रहा होता है तो नाटककार का होता है, जब तैयार हो रहा होता है तो निर्देशक और अभिनेता दोनों का होता है, जब मंचित हो रहा होता है तो वो और दर्शक का होता है। तो एक ही चीज बार बार रची जाती है नाटक ऐसी विधा। तो कुछ उसका रूपांतरण मैंने किया, उसमें बहुत सारी प्रस्तुति के लिहाज से चीज़ें रखने के दबाव में वो बहुत चीज़ें कमजोर हो गई, लेकिन मैं उस पर फिर से काम करना चाहता हूँ, इसीलिए उस पुस्तक का दूसरा संस्करण मैंने नहीं आने दिया। पहला ही संस्करण आया, उसके बाद मैंने दर्शकों के चाहने के बावजूद मैंने उसको नहीं आने दिया, लेकिन उसमें जो सबसे बड़ा सुख मिला, या एक तकनीक या कुछ जो शिल्प के स्तर पर नाटक के, कि रेणु का वह उपन्यास यथार्थ से लबालब भरा होता है और अभिव्यक्ति का जो उनका कौशल है वो यथार्थवादी कौशल है, क्योंकि लोगों ने कहा भी है कि भाषा फोटोग्राफी की तरह है। मैंने जब नाटक
में उसको रूपांतरित किया। तो हमारी परंपरा भारत में नाटक की जो परंपरा है वो गैर यथार्थ का रूप है। हमारे यहाँ जो नेचुरलिस्टिक या यथार्थवादी परंपरा नहीं रही है। हमने हमारा पूरा रंगमंच जो है भारतीय रंगमंच वो गैर यथार्थवादी रहा। हमारी प्रस्तुति का हुनर कभी रियलिस्टिक नहीं रहा। तो एक इतनी बड़ी यथार्थवादी रचना को इतने उसको गैर यथार्थवादी शिल्प में प्रस्तुत करना, तो यह जो टकराव था यह एक लेखक के रूप में एक नाटककार के रूप में मेरे लिए बहुत चुनौतीपूर्ण था और इसमें बहुत सुख मिला काम करते हुए। हालांकि वह काम मेरा अधूरा है ऐसा मैं मान के चलता हूँ, उसको मैंने रोक रखा। जीवन में समय मिला तो शायद फिर दोबारा। आप तो हम लोग जब नाटक करते थे तो अखबार वाले कहते थे कि नाटक की समीक्षा लिख के दे दीजिए पहले ही, नाटक का शो होने से पहले अखबार में लगा। तो वो नाटक की समीक्षा भी जो मैंने लिखी वो मेरा काम नहीं था, तो मैं उसको करना चाहता, लेकिन संपादक मित्रों का दबाव और थिएटर के मित्रों का कुछ ऐसा दबाव बना कि इसी दिल्ली में मैं था, करंत जी का निधन हुआ था और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में शोक सभा हो रही थी, शोक सभा से निकला तो एक मित्र ने कहा कि आप करंत जी पर एक टिप्पणी लिख करते हैं। टिप्पणी रात को मैंने वहीं गोमती गेस्ट हाउस में बैठ के लिख दिया और वहाँ से सिलसिला शुरू और उसके बाद दबाव बनता गया। तो ये तो अभाव की संतान है, मैं उसको अपनी मूल विधा नहीं मानता, उसमें बहुत मेरा मन नहीं रमता। लेकिन जब आप किसी चीज़ के निर्माण में आप शामिल होते हैं उनको ये लगता है कि हम सब मिल करके अभी रंगमंच बना रहे हैं। अभी रंगमंच बना नहीं है, भारत का रंगमंच आधुनिक रंगमंच बना नहीं है, आधुनिक रंगमंच बनने की प्रक्रिया में है। उस प्रक्रिया में एक योगदान ही सही, अपने न योगदान हो तो कहीं किनारे खड़ा होकर के अपने ही संतोष के लिए सही, चलिए हमने भी इसमें थोड़ी आहुति दी। वैसा काम था वो काम ऐसा नहीं है जो मेरी प्रकृति से मेल खाता। एक चीज़ और मैं भी पूछना चाहती हूँ और शायद हिंदी के जितने लेखक अभी यह सब जानना चाहते होंगे कि हिंदी का लेखक उसकी थसक कहाँ गायब हो गई है। उसके अंदर जो एक स्वाभिमान होना चाहिए लेखक होने का, लोग कहते हैं ना हिंदी कोई नहीं पढ़ता, या अभी हम लोग थोड़ी देर पहले रॉयल्टी की बात कर रहे थे, आप पत्रिका में छपते हैं और शायद ऐसी दुर्दशा है कि पत्रिका में आप छप गए तो फेसबुक पे आपने लिखा कि मेरी कहानी छप गई और लोग उसी पर बधाई दे दिए। इन सब चीज़ों में मुझे लगता है कि हम लोग एक लेखकीय गरिमा जो है उसको हम भूल रहे हैं। तो ये हिंदी लेखक हमेशा बहुत गरीब और बेचारा कैसे हो गया, ऐसा था तो नहीं? देखिए रघुवीर साहब की पंक्ति है, कहीं से लाओ वो दवा जो खुशामत आदतन नहीं करता, रघुवीर साहब की पंक्ति है। दूसरी पंक्ति आपको याद दिला रहा हूँ शमशेर की, ढीठ कितनी रीढ़ है तन की तनी है, कठिन प्रस्तर में अविन सुराग, शमशेर की पंक्ति। ऐसा नहीं है, हिंदी के लेखक की रीढ़ तनी हुई। अब सवाल ये है कि आप किसको कहिएगा तुम लेखक नहीं हो या खराब लेखक हो, आज आप हैं इस स्थिति में। हिंदी नहीं किसी भी भारतीय भाषा छोड़ दीजिए हिंदी, आप हैं इस स्थिति में। किसी को ये कहने में कह सकते हैं कि नहीं नहीं तुम कभी नहीं लेखक नहीं हो, सिर्फ और दुनिया खुल गई और रचनात्मकता जो है उसको दीर्घ जीवन जो मिलता है या सृजन की जो निरंतरता होती है वह लेखक को मारती है बनाती है। और हम सब इतनी हड़बड़ी में हैं कि अपने ही जीवन काल में मायावती की तरह क्षमा कीजिएगा नाम लेने के लिए मूर्ति अपनी बनाकर अपने ही आंखों के सामने अपना पूजा जाना देखना चाहते हैं। हम उस समय में
जी रहा है हिंदी का लेखक, वो कहीं आसमान से नहीं टपका है, वो इसी समाज से बनता है, इसी समाज की निर्मित है लेखक। तो समाज का ही उत्पाद है ना लेखक भी, कहीं अलग से तो आता नहीं। तो हम वैसे समय में जी रहे हैं प्रत्यक्षा जी, जिस समय में इतनी हड़बड़ी मची हुई और बाजार, जहां तक सवाल है दीन या पैसा नहीं मिलने का, तो आप उस भाषा के लेखक हैं जिसको बमुश्किल 100 साल हुए होंगे, 100 कुछ साल हुए आपको बने, आप उस भाषा के लेखक हैं और आप मुकाबला किससे करने चल रहे हैं, अब युद्ध किससे लड़ने की ठान रहे हैं, अंग्रेजी से जो दुनिया की श्रेष्ठतम भाषाओं में एक है, श्रेष्ठतम मैं कह रहा हूं तो कई अर्थों में कह रहा हूं, भाषा जो भाषा अपने दरवाजे जितना खोल कर रखेगी, दुनिया की दूसरी भाषाओं बोलियों के या विभिन्न प्रकार के जीवन के शब्द जितना उसमें आएंगे, वह भाषा उतनी ही समृद्ध होगी। अंग्रेजी ने अपने द्वार खोल रखे, अंग्रेजी एक चमेलियन बोलता है तो अलग ढंग से बोलेगा, एक बिहारी बोलेगा तो अलग ढंग से बोलेगा, एक हरियाणा का आदमी बोलेगा तो अलग ढंग से बोलेगा, सब अंग्रेजी। लेकिन आप दरअसल हिंदी में देखिए आप कैसे मजाक उड़ाते हैं, कोई बिहार का आदमी हिंदी बोलता है तो कहते हैं कि इसको बोलने नहीं आता, कोई हरियाणा का हिंदी बोलता है तो आप उस पर मजाक उड़ाते हैं। तो आप अपनी भाषा के दरवाजे तक नहीं खोले हुए हैं, आप अभी तक इतने रूढ़ इतने मूर्ख हैं कि आप अभी तक ये मान के चल रहे हैं कि हिंदी संस्कृत से पैदा हुई है, इससे बड़ी मूर्खता और क्या हो सकती है, संस्कृत भी उसका हिस्सा है, लेकिन आप उसकी संस्कृत की माँ को उसकी माँ बना दे रहे हैं। तो आप उस भाषा के लेखक हैं जिस भाषा के को जन्मे हुए 100 साल हुए, भाषा के लिए ये 100 साल बहुत बड़ी बात नहीं होती, पहली बात नहीं। और आपका समाज कहाँ है अभी, आप देखिए क्या स्थिति है, बच्चा पैदा होता है उसका छठियार नहीं हुआ कि तय हो जाता है वो डॉक्टर बनेगा इंजीनियर बनेगा या सरकारी अफसर बनकर कितना घूस कमाएगा, आप इतनी हड़बड़ी में जल्दीबाजी में, तो लिखा भी है उतनी जल्दीबाजी, रात को कविता लिखा और सुबह यशाकाय है, आप कुछ नहीं कर सकते। आप उसमें प्रकाशकों की हिंदी में स्थिति क्या है, हिंदी के अधिकांश प्रकाशक इसको कोट कीजिएगा जहां जहां अवसर मिले कहिएगा, मेरे नाम अधिकांश प्रकाशक मूर्ख है, शुद्ध रूप से वो आपको नहीं बेच रहे हैं आपकी किताब, वो आलू और आपकी किताब में कोई फर्क नहीं है, उनके उनका कोई लेना देना नहीं है साहित्य से, जबकि दुनिया की दूसरी भाषाओं में ये स्थिति नहीं है। तो आप कैसे लेखक को प्रतिष्ठा देते जब आपका प्रकाशक आपकी पुस्तक को आलू समझ रहा है, उसी भाव से बेच रहा है, तो आपको कौन प्रतिष्ठा देगा। क्षेत्रीय भाषाओं में ये स्थिति इतनी खराब नहीं है, खराब है क्षेत्रीय, सबसे बड़ी सबसे बड़ा संकट क्या है, हिंदी का संकट क्या है, हिंदी का संकट ये है कि हमारी, अब जैसे आप जाइए तो आप ये देख करके चकित हो सकती हैं कि केरल के किसी गांव में किसी मलयाली कवि का जन्मदिन मन रहा है और 5,000 लोग वहां बस, आप कल्पना कर सकती हैं हिंदी में, ये नहीं, हिंदी में सिर्फ एक कवि है दिनकर जिनके जन्मदिन पर 4 किलोमीटर लंबा जुलूस निकलता है, जिनके गांव में उनके गांव के हर मकान की दीवार पर उनकी कविताओं की पंक्तियां लिखी हुई है, ये नहीं कि जन्मदिन के दिन लिखी जाती है वो पंक्तियां, 4 साल पहले रंग रोगन हुआ होगा तो 4 साल पुरानी लिखा होगा, हर घर की दीवार पर जो बाहर की तरफ दीवार खुलती है, हर दीवार पर दिनकर की पंक्तियां लिखी हुई। तो आप जिस समाज में कवि लेखक विदूषक हो जो कर समझा रहा है, आप कैसे उस समाज के कवि लेखक के बारे में ये उम्मीद करती हैं कि वो अपनी रीढ़ तान कर रहेगा। आप जाइए किसी मध्यवर्गीय परिवार का लड़का कविता लिखता है, उसके पिता से पूछिए कि बेटा क्या कर रहा है, वो कैसे हंस के जवाब देगा मजाक उड़ाते हुए कि बेटा कविता लिखने लगा, जैसे बेटा आजकल
जघन्य अपराध कर रहा, जहां आपकी स्थिति है, हिंदी भाषी समाज की स्थिति है, तो समाज से हम अलग तो है नहीं, इसीलिए रीढ़ है आपको कमजोर दिखाई पड़ रही है। देखो देखिए ये जैसे 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 ये संघर्ष तीव्र होता है, ये सारा खेल पूंजी का खेल है, सारा खेल पूंजी का है। पूंजी जब मैं कह रहा हूं तो इसको बड़े अर्थों में आप सोचिए, यह पूरी दुनिया बाजार में तब्दील हो चुकी है और बाजार की अपनी शर्तें होती है। घटिया से घटिया किताब लिखने वाला व्यक्ति चेतन भगत हिंदी में उतना ही बिक रहा है जितना अंग्रेजी में बिक रहा है, लेकिन किसी कीमत पर आप मानिए तो मानिए, मैं तो मानने को तैयार नहीं हूं कि वो साहित्य है, वो 100 साल तक जीवित रहेगा। क्या कारण है कि आज आप तुलसीदास को याद कर रहे हैं? क्या कारण है कि आप कबीर को याद करते हैं? क्या कारण है कि क्षेमेंद्र का बृहत कथा मंजरी और सोमदेव के कथा सरित सागर को आप याद करते हैं, गुणाढ्य की बृहत कथा को याद करते हैं? क्या कारण है? कई कई 100 वर्ष बीत गए, न जाने कितनी नदियां सूखी और नई नदियां बनी, और ये पुस्तकें आज भी जीवित हैं, भोजपत्रों से लेकर के डिजिटल फॉर्म में। तो साहित्य दीर्घजीवी होता है, वह अपने समय में लिखा जाता है, अपने समय की बात करता है, लेकिन उसका प्रभाव वर्षों पीछे और वर्षों पीछे से वो सत जैसे निचोड़ा जाता है, निचोड़ कर लिए होता है और वर्षों आगे तक के लिए जीवन देता है। तो साहित्य जो है इसमें एकदम निराश होने की जरूरत नहीं है, जरा भी निराशा की बात नहीं है कि हिंदी में लेखक के पास रीढ़ नहीं है। रीढ़ तो नहीं ही होगी, जब आप लेखन छान के उसमें से निकालना शुरू करेंगे तो पता चलेगा कि हाँ रीढ़ किसके पास है। नहीं, जिनके पास नहीं है वो लेखक है कि नहीं है, ये आप जब छान के निकालिएगा तो पता चले। और हर समय में बाबा नागार्जुन जब लौटे 74 के आंदोलन से जब बाहर निकले जेल से, तो उनसे किसी ने पूछा कि बाबा क्या, बोले क्या गया, बाढ़ के पानी में इमारती लकड़ियां भी बहती है और विष्ठा भी बहता, मैं बह गया था। उन्होंने आंदोलन के संदर्भ में ये बात कही, मैं इस टिप्पणी से स्वीकार अस्वीकार नहीं करता। तो वैसी ही मैं ये आपको बता रहा हूं कि अब बाढ़ का समय है, बाढ़ में इमारती लकड़ियां भी बह रही है और वो विष्ठा भी बह रही है। विष्ठा को साहित्य मानना न मानना ये आपका, पाठक को भी उतना ही देखिए, देखना सुनना पढ़ना ये भी कलाएं हैं, लिखना कला नहीं है, चित्र बनाना कला नहीं, चित्र देखना भी कला, सिनेमा बनाना कला नहीं, सिनेमा देखना भी कला है। हिंदी भाषी समाज बहुत पिछड़ा हुआ है, हमने एक सड़ी हुई सामंती व्यवस्था पर तमाम हिंदी भाषी जो इलाके हैं क्षेत्र हैं वो जीवित रहे हैं लंबे समय, और आजादी के बाद व्यस्त हो गए लूट मार भ्रष्टाचार चोरी डकैती घूस कमाने में, फुर्सत ही नहीं मिली कि हम सोच सकें, लेकिन हमें भरोसा करना चाहिए अपनी भाषा के जो श्रेष्ठ प्रतिभाएं हैं उनके ऊपर। अच्छा हिंदी शायद ये भी दिक्कत है कि न तो वो अर्थव्यवस्था की भाषा है, न तकनीकी भाषा है, न बाजार की भाषा है। अनुशासन लिखने का जो अनुशासन होता है अभी भी मुझे नहीं लगता है, और ये तीसरी बार मैंने उपन्यास लिखना शुरू किया, कोशिश की है, दो बार दूसरे दूसरे दोनों असफल, हाँ असफल प्रेम है दोनों दोनों, और तीसरी बार शुरू किया है और मैं नहीं जानता कि मैं पूरा कर भी पाऊंगा कि नहीं, और कोई नहीं भी कर पाया तो अपने मन को समझाने के लिए सारे लेखों ने नहीं किया, और
लिख लिया तो खराब लिखा तो भी जो होगा सो होगा, क्या कहा जा सकता है। जो राग रसोई पागड़ी बनत मनत बन जाए, ये सब चीजें बनते बनते बनती अंतिम रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता है इनके बारे में कि ये दिखाई ही जाएगा। हाँ, लेकिन वो उपन्यास मेरे लिए महत्वाकांक्षी जरूर रहा है। पूरा जनजीवन है उसमें, सरयू के तट से लेकर के और गंडक के बीच का जो पूरा जनजीवन है, आज़ादी के पहले से लेकर अब तक का जनजीवन, और राजनीतिक ना होते हुए भी राजनीति है उसमें कहीं ना कहीं, जीवन के माध्यम से ही सब कुछ अभिव्यक्त करने की कोशिश है। मैं नहीं जानता मैं बड़ा समय है, बड़ा भूगोल है, भूगोल है, बड़ा भूगोल है, समय भी बड़ा है, समय भी बड़ा है। और इस उपन्यास ने एक तो मुझे जो लाभ पहुंचाया है लिखे जाने के क्रम में, वो है कि अपनी भूमिका अपने लिए पुनराविष्कार कर लिया। ये यात्राओं से लगातार घाघरा के किनारे यात्राएं और चारों तरफ यात्राओं के कारण फिर से उस जनजीवन को नए ढंग से, हो सकता है कि वह उपन्यास न पूरा हो उसके बदले दो चार कहानी आ जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन यह है कि जब इस तरह के बड़े फलक का काम करता है कोई भी लेखक, आप सब आपने स्वयं लिखा है, अभी अभी आपका उपन्यास आया है, वंदना का उपन्यास आने वाला है, कोई भी कहने का मतलब यह है कि ये है, लेखक भी उससे धनी होता है। इस सत्र का समय समाप्त हो गया है। मैं सुलभ जी से आग्रह करूंगी कि भुजाएं का एक अंश अगर वो यहाँ से पढ़ना चाहे, मैं लेके आई। शुरू से ही पढ़ देते हैं, सुना से थोड़ा सा। इस कहानी का शीर्षक है भुजाएं, लेकिन जब ये पहली बार कहानी छपी इंडिया टुडे में तो इसका शीर्षक था अष्टभुजा लाल की भुजा। बाद में मित्रों ने ये अकल दी कि इतना लंबा शीर्षक रख करके भी कोई बहुत नया प्रभाव नहीं आप पैदा कर रहे हैं, भुजाएं से भी वही प्रभाव पैदा होगा, तो मैंने उसको छोटा कर दिया। अष्टभुजा लाल को अपने बीते हुए दिनों के बारे में सोचना अच्छा नहीं लगता। बीते हुए दिनों की बात याद आते ही उन्हें मिटली आने लगती है। उन्हें लगता है जैसे अपनी पत्नी के वार्डरोब में बंद हो गए हों। इस वार्डरोब की याद उनके लिए किसी बजबजाते दुर्गंधमय नाले में गिर जाने की तरह यातनाप्रद होती है। इस यात्रा से मुक्ति के लिए वो लगातार हाथ पांव मार रहे हैं, आकुल आहट छटपटा रहे हैं। जब से उन्होंने अपनी पत्नी का वार्डरोब देखा है, जीवन के बीते हुए दिनों के अजीब अजीब चित्र उनके मन में बनते हैं। किसी डरावने स्वप्न की तरह यह वार्डरोब उनके दिलो दिमाग पे छाया हुआ है। पिछले दिनों पत्नी के मायका प्रवास के दौरान वार्डरोब की चाबी उनके हाथ लग गई, पत्नी उसे साथ ले जाना भूल गई थी। बिना किसी दुर्भावना के मात्र कौतूहल वश उन्होंने वार्डरोब खोलकर देखना चाहा कि आखिर क्या क्या सहेज छिपा कर रखा है श्रीमती कुसुम कुमारी ने, और अष्टभुजा लाल ने मुसीबत मोल ले ली। न देखते तो शायद उनके जीवन के बीते हुए दिनों के बरक्स यों बार बार पत्नी का वार्डरोब नहीं आ खड़ा होता,
बजबजाते हुए दुर्गंधमय नाले में गिरकर निकलने के लिए हाथ पांव मारने की सी ये यातना उन्हें नहीं मिलती। उस दिन पत्नी के वार्डरोब में उन्हें तरह तरह की चीजें मिली थी। वार्डरोब खोलते ही उन्हें लगा था कि आज कोई अनहोनी घटने वाली है। वो हाथ डालते झिझक रहे थे। वो जब जब अपना हाथ खींचते एक दूसरे में लिपटी गुथी चीजें बाहर निकल आती और अष्टभुजा लाल उलझ कर रह जाते। वो अपने को कोसते, अपना माथा पीटते और खुद अपनी लानत मलामत करते हुए वार्डरोब में फंसे थे। उनके सामने बिखरी थी वार्डरोब से निकली चीजें, मसलन शादीशुदा बड़ी बेटी धर्मी के बचपन के दिनों की दूध वाली बोतल, जवान होकर विवाह की प्रतीक्षा में ठिठकी हुई 24 वर्षीय दूसरी बेटी बन्नी के बचपन के दिनों का पुराना फ्रॉक और जांघिया, पत्नी के दो दो पुराने हुक्महीन ब्रा, आरजू, ताजमहल और मेरे महबूब जैसी पुरानी फिल्मों के गानों की किताबें, श्रृंगार प्रसादन की कुछ खाली शीशियां, उनकी प्रचंड जवानी के दिनों की एक श्वेत श्याम तस्वीर जिसमें उनकी गर्दन में छींट वाली टाई लटकी हुई थी और जुल्फें देवानंद की तरह ऊपर उठी थी, और इसी वार्डरोब में उन्हें मिला था। श्रीमती कुसुम कुमारी के इस फूहड़पन ने उनके जीवन की शक्ल सूरत ही बदल दी थी। उन्हें अपना तमाम जीवन फूहड़ दिख रहा था, यहाँ तक कि उन्हें अपने नाम से चिढ़ होने लगी थी। अपने नाम का संबोधन सुनते ही उनकी इच्छा होती कि वो पुकारने वाले का मुंह मूंच ले। ठीक है ना? कहानी प्रतिनिधि कहानियों का प्रकाशित है जो कि यहाँ पर अवेलेबल है। आप में से जो भी हमारे अतिथि से खरीदना चाहें वो खरीद सकते हैं। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रत्यक्षा का अपने इतनी सुंदर अनौपचारिक और मज़े की जैसे आपने कही वैसे बात की, बहुत बहुत शुक्रिया। और सुलभ जी से आग्रह करूँगी कि वो अपना स्थान लिए रहें। और अगली वक्ता जो है हमारे जो दूसरे सत्र में सुलभ जी से बातचीत करेंगी वो है वंदना राग। जैसा कि सुलभ जी ने कहा ये दोनों ही लेखिकाएँ जो हैं वो आज के समय की बहुत मुख्य आवाज़ हैं और लेखन के क्षेत्र में बहुत कम ही लेखन के लिए जानी जाती हैं। वंदना राग जी का जन्म इंदौर में हुआ था लेकिन मूलतः बिहार से हैं। इन्होंने भारत के कई शहरों में अपनी स्कूली शिक्षा प्राप्त की और 1990 में दिल्ली विश्वविद्यालय से इतिहास में स्नातकोत्तर की उपाधि हासिल की। इनकी कहानियाँ हिंदी की प्रमुख पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रहती हैं। यूटोपिया इनका पहला कहानी संग्रह है। उनकी अन्य किताबें हिजारत से पहले और ख्यालनामा है। उन्होंने एरिक हॉब्सबॉम की विश्वविख्यात किताब द एज ऑफ कैपिटल का हिंदी अनुवाद भी किया है जो पूंजी का युग शीर्षक से प्रकाशित हुई है। वह भोपाल शहर की सांस्कृतिक रवायतों पर अंग्रेजी की एक किताब पर अपने काम को लेकर भी चर्चा में हैं। समकालीन स्त्री कथाकारों ने वंदना राग की कहानियों की भाषा तथ्य इंटेंसिटी शैली अन्य कथाकारों से सर्वथा भिन्न है। इन्होंने हिंदी में स्त्री लेखन को एक नई जमीन दी है और आपको कृष्ण प्रताप स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। वंदना राग आपका बहुत बहुत स्वागत होता है इनके मंच पर। और वंदना बातचीत करेंगी सुलभ जी से उनके जीवन के विषय में। अभी आपने उनके लेखन के विषय में सुना, अभी दूसरा सत्र उनके जीवन के विषय में। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत मेरे लिए बहुत ही तनाव भरा सत्र है। बहुत बहुत शुक्रिया आराधना मुक्तांगन और सुलभ जी भी जिन्होंने मान लिया कि मैं उनसे सवाल करूं। कितने ही तनाव से भरे हो और शायद जान मैं तो बखूबी समझ रही हूँ तनाव का क्या कारण है। जब आप किसी से बहुत ज़्यादा परिचित होते हैं तो
जाहिर है एक तरह की सहजता तो होती ही है, साथ में तनाव भी होता है, लेकिन वो सब दरकिनार करते हुए शुरुआत से ही शुरू करते हैं। बहुत सारी बातें प्रत्यक्षा ने जो की लेखन के संबंध में, तो उसमें जीवन के भी कई अनुभव और बातें आ गए, लेकिन मैं शुरुआत करना चाहूंगी आपके बचपन के दिनों से, जब आप शायद सिवान जिले के गांव लहेजी में रहा करते थे, और वो गांव मैंने भी देखा है कैसे पिछड़े गांव में, हालांकि दूसरे गांवों की अपेक्षा वो ज़्यादा विकसित गांव है, लेकिन कैसे फिर भी बिहार के गांव में रहते हुए इतनी परिष्कृत संरचनाओं वाली कथा कहानी कहने का तेवर आपने अख्तियार किया। जरूर उसकी नींव बचपन में पड़ी होगी, वो कैसे और क्यों पड़ी? पिता स्वतंत्रता सेनानी थे और इसराज जैसे दुर्लभ बातें के बाद मेरी पहली माँ बच्चा जनते हुए मर गई, पहली संतान गई, और उस मरी हुई स्त्री का मुंह देखा पहली बार उसके पति। आप समझ सकते हैं जीवन कैसा रहा होगा। मेरे पिता ने अपनी पत्नी का चेहरा पहली बार देखा खुल के, वो शौक तो बच्चा जन्मते हुए मरी। उसके बाद कुछ वर्षों बाद उन्होंने दूसरा विवाह किया, उनसे मैं दूसरी संतान, मुझसे बड़ी है 13 साल। मेरी बहन, मेरी माँ गर्भवती थी, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जिस परिवेश की बात कर रही है इसी के इसी इन्हीं बातों में वो सब, और वो रीढ़ भी यहीं छिपी हुई है जिसको प्रत्यक्षा खोज रही थी। मेरे पिता मेरी गर्भवती माँ को पटना ले आए और अपने एक रिश्तेदार के घर छोड़े और छोड़ कर चले गए, क्योंकि 9 अगस्त आ चुका था और 9 अगस्त को जो 42 की क्रांति की शुरुआत हुई थी और उनको भागना पड़ा। मेरी माँ छूट गई एक रिश्तेदार के घर। 29 अगस्त को मेरी बहन का जन्म हुआ। बहन के जन्म के एक महीने के बाद पिता किसी तरह भागते हुए पहुँचे तो माँ को लेकर डिस्ट्रिक्ट टाउन सिवान पहुँचे, वहाँ एक बैलगाड़ी में बिठाया और माँ को गांव भेजा, बता दिया बैलगाड़ी वाले फलाने गांव जाना है, और खुद फरार हो गया, पकड़े गए, बाद में जेल में गए। छूट के रामपुर नवाब के यहाँ शरण ली। इधर जब माँ गांव पहुंची नवजात बच्ची को लिए हुए तो दरवाजे पर पुलिस थी और मेरी विधवा दादी दरवाजे पर खड़ी थी। पुलिस उस घर की छानबीन कर रही थी। माँ और पिता जो स्वयं इसराज बजाते थे, और कुछ दिनों पहले उन्होंने जो विरासत सौंपी मुझे उसमें योगी कर्मयोगी माधुरी चांद सब पत्रिकाओं की फाइलें कुछ पुस्तकें ये सब सौंप कर दिया। उन्होंने पैराडाइज लॉस्ट और पैराडाइज गेन मुझे मैट्रिक में पढ़ाया था। बाप बेटे जब खाना खाने बैठते थे तो वो सबसे अच्छी पाठशाला होती थी अंदर, जिसमें वो बताते थे, और हिंदी का जो आरंभिक साहित्य रहा है वो उनकी देखरेख में पढ़ा। तो गाँव में एक पुस्तकालय था, नवयुग पुस्तकालय, निरो बिहार के लगभग हर गाँव में पुस्तकालय हुआ करते थे, सरकार के संरक्षण में चलते थे, सरकारी एड मिलता था, एक लाउड स्पीकर और रेडियो का एक बड़ा पुराना सा अजीब सा सेट होता था जिससे समाचार लोग सुना करते थे,
आज वो कुछ भी नहीं है, सारी लाइब्रेरियां ध्वस्त हो चुकी हैं, कोई पुस्तक नहीं है, कुछ भी नहीं है, लाइब्रेरी के नाम पर जो बजट है जाने काम है, किस किस दुनिया में चला जाता है मुझे नहीं मालूम। तो वहीं से किताबें, वहीं पथे पंचाली का अखबार, वहीं हिंदू उपन्यास और दुनिया भर की किताबें, तो ये पढ़ने का सिलसिला वहाँ से शुरू हुआ। जहाँ तक लेखक बनने का सवाल है, मैंने थोड़ी सी बात कक्षा से करते हुए कही कि आप अपने दुख को या जो सुख आप पाना चाहते हैं उस सुख की खोज को अभिव्यक्त जब करना चाहते हैं तो उसको अभिव्यक्त करने के लिए किसी ना किसी कलारूप का आपको उपयोग करना पड़ता है। ये जरूरी नहीं कि हर कोई लेखक हो, संगीतकार हो, चित्रकार हो, मैं नहीं जानता यह किसकी परिकल्पना है यह मुक्तांगन, लेकिन यह भी अपने को अभिव्यक्त करने की एक कोशिश है और वह उस सुख को पाने की कोशिश है जो उस व्यक्ति का स्वप्न रहा होगा। तो सृजन के अनंत रास्ते हैं, अनंत रूप है सृजन के। फिर गांव से आप शहर आए पढ़ने लिखने, ये जो एक परिवर्तन का युग था, एक बिल्कुल भिन्न कल्चरल मिल्यू से आप सीधे एक शहरी कल्चरल मिल्यू में आप ट्रांसपोर्टेड हो जाते हैं, शिक्षा के लिए, रहन सहन के लिए, बहुत सारी चीज़ों में बदलाव आता है उससे। उसने आपकी जीवन की दिशा को कौन सा नया मोड़ दिया या कौन से परिवर्तन आए? जब मैं पटना आया तो शुद्ध रूप से एक ही उद्देश्य था पिता का कि मैं अच्छी शिक्षा दूंगा, क्योंकि आज़ादी 47 में जब आज़ादी मिल गई तो पिता बेरोजगार हो गए, उनको लगा कि अब मैं तो किसी लायक नहीं रहा, या राजनीति मेरे लायक नहीं रही, या मैं राजनीति के लायक नहीं रहा। तो फिर उन्होंने अपना जो किसानी था उसके साथ साथ दूसरे जो समाज सेवा के काम थे वो शुरू किए। फिर उनको लगा गाँव में अपराधीकरण की वो शुरुआत 65 के बाद बिहार के गांव में अपराधीकरण की शुरुआत हुई, और वो चूंकि एक राजनीतिक व्यक्ति थे, साहित्य और संस्कृति इसे उस तरह न जुड़े रहने के बावजूद उनकी नब्ज समय पर थी, वो जानते थे कि ये गलत शुरुआत हो रही है हमारे गांव में, अब ये गांव बहुत तेजी से बदलेंगे, इसको कम से कम पढ़ा लिखा कर दें, तो लेकर गाँव से पटना आ गए। और मेरे लिए वो नई दुनिया थी, बड़ी दुनिया थी, मैं पटना के सबसे अच्छे स्कूल में दाखिला हुआ, लेकिन उपेक्षा गांव से आने के चलते एक घृणा लोगों की शहर और गांव का जो तथाकथित संघर्ष, लेकिन उसमें जैसे ही होता क्या है कि जब आपको कोई तैरने के लिए फेंक दे, तालाब में फेंक दे प्राण, आपको अपना तैर के बचाना है तो आप बचा लेते हैं, या फिर डूब जाते हैं, दो ही होता है, तो मैं बच गया, मैंने बचा लिया, इसलिए बचा लिया। उसका एकमात्र कारण था कि जो गीतों की हमारी धर्म में परंपरा थी, हमारे ग्रामीण समाज में जो परंपरा थी, हमारे ग्रामीण समाज में श्रम करते हुए भी सृजन करने की परंपरा थी, स्त्रियां ज्यादा चला रही है गीत गाने, आज तो वो सब कुछ खत्म है, उसकी जरूरत भी नहीं है, इतनी का इतना विकास हो चुका है। तो यह जो जीवन को पकड़े रहने की जो ताकत होती है, जीवन से जूझ करके जीवन के भीतर उतरने की और अपने भीतर जिंदगी को बसाए रखने की जो शक्ति होती है, जो जिजीवशा, प्रबल जिजीवशा जो होती है, वो लेकर आया था मैं। उसको दुनिया की कोई ताकत तोड़ नहीं सकती थी, वो इतनी भरी हुई थी मेरे भीतर। और हमारे गांव में उस समय ग्रामीण रंगमंच, हर गांव के पास अपना रंगमंच था, अपना पर्दा होता था, छुट्टियों में शहर से जो नौकरी करने वाले लोग आते थे पर्व त्योहारों के अवसर पर और वे नाटक करते थे, तो वहां से ये भी लेकर आया था। आपको जान के आश्चर्य होगा वंदना कि निराला को पढ़ा बाद में मैंने, 1972-73 में जब नीलकंठ निराला नामक नाटक मैंने मंच पे देखा, और प्यारे मोहन साहब को वो निराला की विक्षिप्तावस्था पर है वो नाटक पहली बार देखा कि एक
एक अभिनेता के देह में निराला को उतरते हुए, तो निराला के प्रति मेरे भीतर तावड़िया और मैंने निराला को पढ़ा। कहीं से आपने सुना होगा कि आपने अभी कहा कि राजनीति से बचाने के लिए पिता शहर गया, लेकिन मेरी स्मृतियों में तो है कि आप शहर आकर छात्र जीवन से ही एक आंदोलन से जुड़ गए और खुद राजनीति में राजनीति से बचाने के लिए, हाँ, हिंसा से बचाने वो जो अपराध की दुनिया बन रही थी उससे बचाने, हाँ, लेकिन जब आप राजनीति में प्रवेश करते हैं तब आप शायद कॉलेज में कॉलेज में जा रहे हैं, तो समानांतर रूप से रंगमंच में भी आप सक्रिय हैं, साहित्य का तो बहुत पर्सनल पार्ट आपका चल ही रहा है और एक आंदोलन इस देश में खड़ा हो जाता है उस वक्त और उसमें आप सक्रिय भागीदारी करते हैं अपनी उन मेमोरीज के बारे में। 74 का जो आंदोलन था वो उस समय के हमारी उम्र के तमाम लोगों के निर्मित में उसका बहुत बड़ा योगदान है, वह एक उसने एक ताकत तो जरूर दी थी कि अन्याय के खिलाफ या जो भी हो रहा है देश और समाज में उसके खिलाफ उनको खड़ा होना चाहिए, या एक जो धारणा थी, बिल्कुल मैं सामान्यीकरण तक के ये बात कह रहा हूँ, क्योंकि हम लोग उस समय बहुत छोटे थे, हम कोई अगली पंक्ति के आंदोलनकारी में गए थे वह समय ऐसा था कि आप या तो उस आंदोलन का हिस्सा है या दर्शक के रूप में भी हिस्सेदारी होती है, या तो उसके हिस्सा है या उसके विरोधी, तीसरा रास्ता नहीं था। 1974-75 का जो आंदोलन था जब राष्ट्र और एक बेचैनी, एक बेकली, एक बेहतर समाज, एक बेहतर जीवन, इसके लिए जो एक व्यग्रता थी, फिर पटना में आने के बाद जो जो एक नई दुनिया खुली, ढेर सारे लोगों से मुलाकात, ढेर सारी राजनीति से जुड़े हुए लोगों से मुलाकात, उनकी गतिविधियाँ, उनकी दिनचर्या, उनके उनका जीवन, उनसे जुड़ करके उनकी उनको देखना, समझना, जानना और अपने को धीरे 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 समृद्ध करना, तो पढ़ना लिखना एक जरूरी काम जरूर था विद्यार्थी के रूप, लेकिन उस समय यह लगता था कि बिना अगर हम सिर्फ पढ़ने लिखने के नाम पर कि हम छात्र हैं, हम सिर्फ पढ़ाई करेंगे और हम नौकरी करेंगे या हम ये बनेंगे, यह जीवन नहीं है, यह हमारा उद्देश्य नहीं था। और सांस्कृतिक मोर्चे पर जो सांस्कृतिक जो गतिविधियां थी पटना की, उसमें मेरी तमाम अपने ढंग से उस उम्र में जितनी सक्रियता हो सकती थी वो सक्रियता, राजनीति सक्रियता, और जब इमरजेंसी लागू हुआ तो सब लोग भागे, कोई कहीं भागा, कोई कहीं छिपा, कोई कहीं छिपा, तो ये सब कुछ। और फिर उसके बाद कई जगह अंडरग्राउंड रह करके पत्रिकाओं का पत्रों को लोगों तक ले जाना, पहुंचाना, सूचनाएं जो जितना भर उस, लेकिन उसी आंदोलन में रहते हुए उस आंदोलन के जो कंट्राडिक्शंस थे जब वो सामने आने लगे तो हम लोग वहां से अलग थे। यही मैं, मेरा अगला सवाल यही होने वाला था कि आपका मोह भंग कैसे हुआ और कब हुआ और उसने फिर आपको, आपके अंदर कौन से नए संघर्षों की स्थापना, वहां से अलग लगा कि यह राजनीति जो हम कर रहे हैं, यह राजनीति अगर हमारे समाज को जोड़ नहीं रही है और बांट रही है, यदि अभी भी हम जात पर, धर्म पर और दूसरे जो बंटवारे के खांचे हैं, जो सरणियां हैं, उनमें बढ़कर के अगर हम राजनीति करते हैं, उनमें बढ़कर के हम जीवन को सींचना चाहते हैं, तो हम क्या सींच पाएंगे? और जिस भ्रष्टाचार, जिस दमन, जिस आतंक के खिलाफ यह राजनीति खड़ा हुई थी, इसके भीतर उस सब के बीज उसी समय दिखाई पड़ने लगे। आज आप देखिए कि उस आंदोलन से निकले लोग भ्रष्टतम राजनेता साबित हुए हैं। आज ये कहते हो जरा भी झिझक,
इसके बीज वहीं दिखाई पड़ने लगे। और चूंकि साहित्य से रिश्ता बन चुका था, रंगमंच से रिश्ता बन चुका था, तो कलाओं की दुनिया ज्यादा आकर्षित करती थी। मुझको लगता था कि यह ज्यादा अभिव्यक्त करने का, अपने को अभिव्यक्त करने का, अपने को सक्रिय रखने का, या ये ज्यादा ताकतवर माध्यम है। और राजनीति ठीक पिता के साथ जो हुआ होगा 1947 में आजादी मिलने के बाद, कि अचानक इतना सक्रिय व्यक्ति राजनीति से अलग हो जाता है। वो पिता कांग्रेस के बड़े नेताओं में थे, महामाया प्रसाद सिन्हा के साथ भाषण देते थे, और जिस सवारी पर बैठ के जाते थे उस सवारी पर अब्दुल गफूर घड़ा में पानी लेकर चलते थे। ये लोग बड़े भाई की तरह थे, अब्दुल गफूर उम्र में छोटे थे जो बाद में मुख्यमंत्री। तो पिता वहां से जो अभ्यर्थी राजनीति को छोड़ देता, हो सकता है कि कहीं ना कहीं वो भी संस्कार मिला हो कि राजनीति की या जो का जो आंदोलन की सरकार बनने से पहले उस सरकार की जो सरकार उस समय आई हालांकि, और उसके जो नेता उभरे, उन नेताओं का चरित्र स्पष्ट हो चुका था। तो एक बड़ा तबका युवाओं का उस आंदोलन से अलग हुआ। इस मोहभंग के बाद सामाजिक प्रेशर, पीयर प्रेशर, रोजी रोटी कमाने का संकट, सवाल, सारी चीजें आई होंगी जरूर, क्योंकि संस्कृति कर्मी होकर तो आपको पता नहीं, मैंने एमए की पढ़ाई अधूरी छोड़ी और छोड़कर नौकरी ज्वाइन करने गया, क्योंकि उस 72 साल की उम्र थी मेरे पिता की लगभग, जिस समय मैं नौकरी ज्वाइन करने गया, मैं उनके चौथेपन की संतान थी। क्यों नौकरी करने चला गया? क्योंकि बिहार की जातिवादी राजनीति इतनी सघन थी कि उससे विश्वविद्यालय अलग नहीं थे। हर विभाग का तय था कि इस विभाग में इसी जाति का व्यक्ति टॉप करेगा। जो बहुत स्पष्ट है कि जो टॉप करेगा या फर्स्ट सेकंड आएगा उसको लेक्चरशिप की नौकरी मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। मास्टरी भी मिलेगी कहीं किसी लोअर प्राइमरी स्कूल में कि नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं। एक तो ये जीवन का संघर्ष इस स्तर पर था। तो मैंने बेहतर समझा कि 72 साल की उम्र में मेरे पिता मेरे लिए अर्जित करें, उससे बेहतर है कि मैं इस पढ़ाई को जो कहते वो स्थगित करूं और नौकरी करने चला जाऊं। मैं जब नौकरी करने निकला तो मेरे शिक्षक डॉक्टर नंद किशोर नवल ने मुझे बुला के कहा, जब कोई मेरा छात्र अखबार में या रेडियो टेलीविजन में, यानी पत्रकार ये जो खबरों की दुनिया है उसमें जब छात्र है कोई लिखने पढ़ने वाला मेरा छात्र, तो मैं बहुत चिंतित होता हूँ, क्योंकि उसकी आसन्न मृत्यु मेरे सामने होती है। मैं ये देखता हूँ कि वो लेखक के रूप में मरने जा रहा है। मैंने उनको वचन दिया कि मैं कोशिश करूँगा कि मैं ना मरूं, क्या होगा मैं नहीं जानता, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि ना होगा। तो ऐसी संकट की स्थिति, एक तरफ लेखक के रूप में जीवित रहना, क्योंकि उस समय तक हिंदी की तमाम बड़ी पत्रिकाओं में छप चुका था जब मैं एमएल में पढ़ाई छोड़कर नौकरी करने गया। तो जीवन की ये संघर्ष सिर्फ मेरे नहीं थे, इससे हजार गुना ज्यादा संघर्ष ढेर सारे सारे लेखकों के रहे। मैं तो अच्छा वाला था, एक व्यक्ति जिसके पिता उठाकर शहर लेकर गया, हाँ किसी के पिता से उठाकर शहर ला, मैं बहुत भाग्यशाली था। मैं अपने पिता के प्रति बिल्कुल आभार भी औपचारिक और अनौपचारिक रूप से भी व्यक्त करने की स्थिति में नहीं हूँ, उस लायक नहीं। तो ये सारे संघर्षों के बीच प्रेम का बात, ये प्रेम दो तरह का, प्रेम हम बहुत प्रचलित अर्थों में कहें स्त्री पुरुष के संबंध, बहुत थोड़े से लोग हैं इसलिए बात कही देनी चाहिए।
मैंने मैट्रिक पास किया था। आप सब सुनिएगा, ना सुनने की इच्छा हो कान बंद कर दीजिए, लेकिन मैं इन लोगों को भी लगे कि ये लेखक के पास रील होती है, इसलिए इसको भी साबित करने के लिए कहना चाहता हूँ। 15-16 साल की उम्र में 20 साल की विवाहिता स्त्री से प्यार किया। मेरे प्रेम संबंध के 8 महीने बाद हो गए, बच्चा जलते हुए जैसे मेरी पहली माँ बन। अब बताइए मैं इस प्रेम को कैसे ढूंढता रहा हूँ आज तक। इसके सुख और इसके दुख की किरच किरच आप उधेड़िए और उधेड़ करके प्रेम की परिभाषा आपके लिए कर ली। जीवन बहुरंगी होता है, बहुअर्थी होता है, इतने लेयर्स होते हैं इसमें, इतनी परतें होती हैं इसमें कि आप उसका कोई एक स्वरूप नहीं तय कर सकते। पीड़ा के भी अजस्र स्रोत होते हैं, सुख के स्रोत आज बहुत सीमित है, दुख के अनंत स्रोत है। एक सवाल उसके बाद आप और थोड़ी बात कर सकते हैं कि प्रत्यक्षा ने जैसे पूछा था कि आप बिल्कुल जैसे हैं वैसी ही आपकी कहानियां हैं, सवाल कहानियों से, तो ये बताइए कि कितना कहानियों ने आपके जीवन को प्रभावित किया है और कितना आपके अपने जीवन ने आपकी कहानी। पहले गोपाल ने पूछा कि कहानियों ने कितना प्रभाव किया। मनुष्य के रूप में मेरी निर्मिति में मेरी कहानियों की बड़ी कतरा कतरा मुझे जोड़ करके मेरी कहानियों ने तैयार किया। अपने ही पात्रों से सीखा, लज्जित हुआ उसी पात्र को रच करके, देखो कि तुम लिख रहे हो इसको इतना बढ़िया, खुद क्या है। तो मेरे भीतर का जितना कलुष, जितनी मलिनताएं रही हैं, मेरे पात्रों ने उसको निकाला है। बहुत सारी मलिनताओं को, कलुषताओं को, दुष्टताओं को, जो मैं रहा हूं मनुष्य के रूप में, उसको अब कई पात्र हैं, ऐसे कई पात्र हैं जिन्होंने जिन्होंने लगातार मेरे मुझे सृजित किया है, मुझे रचा है। और कोई लेखक यह नहीं कह सकता कि उसकी कहानी या उसकी रचना में उसका जीवन नहीं शामिल है। अंग्रेजी के एक बड़े लेखक का कहना है कि लेखक अपने 15 वर्ष के उम्र तक के ही जीवनानुभव को लिखते लिखते मर जाता है, उससे आगे का जीवनानुभव लिखने का तो उसके पास समय ही नहीं बचता, उम्र ही नहीं मिलती है उसको। तो आपके जो अपने जीवनानुभव है, आपका जो अपना जीवन है, वह आपकी रचना में शामिल होता है। अब यहीं पर हुनर का कौशल का सवाल है कि आप हूबहू उठा के उसको कैसे रख देते हैं। माफ कीजिएगा मेरी भाषा थोड़ी सी गड़बड़ होगी यहाँ, जैसे लीड की तरह उठाकर या हार को रख लिया जाता है, वैसे आप रख देते हैं या आप रचते हैं यथार्थ जो आपके जीवन का आपका जो अनुभव है हूबहू। अरे आत्मकथा लिखी है, कोई रोक टोक नहीं है उसमें लिखी, लेकिन अपने ही ऊपर आप कहानी लिखने लगे, अपने ऊपर कविता लिखने लगे, अपने आपका जीवन उसमें शामिल होगा, आपके जीवन के अनुभव उसमें शामिल होंगे। और यही तो है कहानी के बारे में, यही तो कहा जाता है, बड़ी प्रसिद्ध पंक्ति है कि आधी अपनी का आधा फसराना तब एक अफसाना, बल्कि आधा भी ये बेकार है। किस कहानी में हकीकत की मात्रा क्या होगी और फसाने की मात्रा क्या होगी यह नहीं कहा जा सकता, हर कहानी का अलग अलग रेशियो है और यही कहानी का मयार तय करती है, यह उपन्यास का मयार यही तय होता है कि आपने किस मात्रा में उसमें यथार्थ लिया और कितने अपनी कल्पनाशीलता का क्या उपयोग। तो मेरा जीवन मेरी रचनाओं के प्रभाव से बदला है और मेरी क्या आप सबकी रचनाओं के प्रभाव से बदला है।
साहित्य अगर आपको बदलता नहीं है, आपको बेहतर मनुष्य साहित्य ही नहीं कराए, अगर आपको बेहतर मनुष्य नहीं बनाती, आप जो हैं उससे बेहतर नहीं बनते, तो फिर वो कला नहीं है। कला का जो पहला दायित्व है कि मनुष्य के रूप में आपको बेहतर, जैसे आपके परिवार के बारे में भी, हाँ सब लोग नहीं, मैं तो जानती हूँ, कुछ लोग जानते हैं, परिवार पर भी आपके लेखन का और आपके किसी परिष्कार का बहुत असर पड़ा आपकी बेटियों पर। ये तीन बेटियां हैं और जब तीन बेटियां पैदा हुई, बहुत ईमानदारी से मैं बताता हूँ, दो बेटियां पैदा हुई तब तक तो सब कुछ ठीक ठाक था, तीसरी पैदा हुई तो तीसरी पैदा नहीं होनी चाहिए थी, पत्नी की इच्छा थी कि नहीं, तीसरी पैदा हुई तो पूरा संसार जो है मुझसे जो जुड़ा हुआ था वो चिंतित हो गया। मेरे पास तो आने की हिम्मत लोगों की नहीं थी थोड़ा सा, लेकिन पत्नी के पास नहीं जाते थे, पत्नी ने इसका बहुत साहस से सामना, इससे ज्यादा साहस से सामना, और इतना साहस से सामना किया कि हम लोगों ने यह तय किया, नौकरी वो भी कर सकती थी, हम भी कर सकते थे, लेकिन जो शहर की स्थिति थी, सब कुछ पारिवारिक स्थिति थी, हम लोगों ने तय किया कि एक आदमी अर्जन करे और एक इन लोगों को की देख रेख करें, और एक प्रयोग के तौर पर देखा जाए कि क्योंकि मेरे पास जो पैसे होते नाम की खेती बाड़ी सब बेचने पर, उसमें सरकारी नौकरी करने वाला एक चपरासी भी मैं अपनी बेटी के लिए नहीं खोल पाता, दहेज देकर, जो हमारा समाज है आज भी बिहार ही क्या पूरे उत्तर प्रदेश में, ज़्यादा खराब स्थिति तो उत्तर प्रदेश में, तो बच्चियों ने अपनी पढ़ाई की, उनको मैंने शुरू से ये कहा कि तुम जो भी करोगे उसके उसका जिम्मेवार तुमको देना, अच्छा जो भी होगा, और आर्थिक स्वतंत्रता बेहद जरूरी है अभी के भारतीय समाज में स्त्री के लिए, बेहद जरूरी है, अगर वो आर्थिक रूप से स्वतंत्र होगी तभी इस पितृसत्तात्मक समाज से वो युद्ध लड़ सकती, जो हर क्षण उसकी सांस पर काबिज है, हर क्षण यह पितृसत्तात्मक समाज जो है स्त्री की सांस पर काबिज है, उसको जीने नहीं देना चाहता। इतने बदलाव आ गए हैं समाज में उसके बावजूद, इसलिए बेहद जरूरी है कि हमारी बेटियां खुद मुख्तार हों, स्वयं निर्णय लेने की स्थिति में हों, और सांस्कृतिक रूप से ऐसी गहरी समझ हो उनके पास कि वो जीवन को अपने विश्लेषित कर सकेंगे। बेहद बेटियाँ उन्होंने अपने लिए रास्ते निर्माण, मैं कौन होता हूँ रास्ता बनाने वाला, अपने लिए उन्होंने निर्मित की, लेकिन उसको उन पर तो खासा असर दिखता इस सांस्कृतिक विरासत का, वो उनकी ग्रहणशीलता की एक खूबी है, देने वाले से ज्यादा महत्वपूर्ण देने वाला होता है कि वह कैसे ले रहा है। अब अंतिम सवाल के रूप में मैं आपसे जानना चाहती हूँ, एक आपका सपना क्या है, दूसरा आपका हम लेखकों के लिए सपना क्या है। मेरा सपना यह है, मेरा सपना यह है कि मैं एक बीच में उधर से एक बात आई है कि नाम लेने के लिए आप कह सकते, मेरा ये सपना है कि मैं सिर्फ और सिर्फ लेखक के रूप में यहाँ और आप सब को लेकर जो सपना है कि आपके सपने में मेरा सपना शामिल हो, आप जो स्वप्न देख रहे हैं उसमें मैं कहीं ना कहीं रहूंगा, ये मुझे अच्छा लग रहा है, किसी भी मतलब कहीं कोई अंश हो मेरा जो मेरे बाद के लोगों में भी जीवित हो, तो न सही अपनी प्रतिभा के बल पर, आपकी प्रतिभा के बल पर किसी दिन कोई आकर उकेरे उसको, तो कहें गीता की कोई कहानी अगर पढ़े तो और कोई पंक्ति को दे तो कहें कि इसके सुलभ ही इसी तरह लिखा करते थे या इसके सुलभ ने भी शायद लिखा होगा।
हम एक दूसरे में गुथे हुए विन्यास्त हैं, हम लोग हम अलग नहीं हो सकते है ना। राहें हमारी अलग हो सकती है, हमारी उपलब्धियां अलग हो सकती हैं। आप जिस जीवन को अभिव्यक्त करें, हो सकता है कि हमसे जीवन की वो डोर छू गई हो, न कर रहे, लेकिन कुछ ना कुछ होगा कि हम आप एक दूसरे से ऐसे ही लेखन में पीढ़ियां चलती। आज क्या हम अपने को उन लेखों से काट सकते हैं जिनके शब्दों से हमने संस्कार पाया, संस्कारित हुए? नहीं काट सकते। तुलसीदास जिनकी मैं चर्चा कर रहा था, इस भारत के घरों में उनकी श्रेष्ठतम काव्य कृति धर्म ग्रंथ के रूप में रखी हुई है। इससे बड़ी ट्रेजडी किसी भाषा और किसी समाज में क्या हो सकती है? लेकिन उनके बिना हमारा काम नहीं चलता। कबीर, कबीर को कौन ले गया? कबीर पंथी ले गए। आप जाके कबीर पंथी मठों के हालत देखी, रेणु ने तो मैनाचल में लिख दिया है, तिरपन में। इतना अनाचार और भ्रष्टाचार कबीर के कबीर पंथी मठों में। लेकिन पंथियां कौनती है कैसे जब आप जीवन जीने चलते? हतन जा रहा हूं छार करो लिख के चले गए जायसी और संजय लीला भंसाली और करनी सेना लड़ाई। तो मेरे कहने का अर्थ ये कि हम अपने पूर्वजों से ना विनालवत हैं, हम सब एक दूसरे से कुछ हुए हैं। मानो हमारा होना आपका होना ही हमारा होना, आप नहीं तो हम नहीं। मैं किस उम्र में हूं, बड़ी मतलब मैं बिना लाभ लपेट की बातें कर सकता या छूट लेने वाली उम्र में आ गया हूं, चाहे वो अपने बारे में हो या किसी के बारे में। अब पॉलिटिक्स की जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे। एक हजार प्रेम के बारे में सुन के आप क्या करेंगे? आपको क्या लग रहा है कि हम जैसे प्रेम के देवता हैं? आपके जीवन में जब बसंत शुरू हुआ होगा तो वो महुआ रस का होगा, वो कामिक पसंद है, वो तो आपने द्रवित कर दिया हमें। लेकिन जो असली प्रेम आया होगा लेखक या लेखिका, दासियों का बसंत लेखक या लेखिका को एक ही समय में 1000 स्त्री या पुरुष से प्रेम करने की शक्ति रखनी चाहिए। लेखिका है या लेखक है, तो कम से कम 1000 मिनिमम का कर रहा हूँ। इतनी ताकत हो तो आइए, शीश उतारे हाथ ले तब पैसे घर में। प्रेम का अर्थ वही थोड़ा है जो प्रचलित है। ये तो आपकी प्रतिभा पर निर्भर करता है कि आप कौन सा रंग कौन सा चित्र भर देती हैं उसमें। इन्होंने बहुत ईमानदारी से पूछा है, इनको भी बहुत दिन से बेचैनी थी। वो कार्बनिक प्रसंग नहीं था, जानबूझकर सुनाया हुआ, वो एक सच था। मैंने इसीलिए उसको सामने रख दिया कि ये झंझट आपका प्रश्न आए ही, लेकिन सच ये है कि लेखक क्या लेखिका 24 घंटे प्रेम में ही होता है। आप प्रेम में नहीं है, आप नहीं सर्जित कर रख सकते। आप उस माँ को देखिए ना जो 9 महीने गर्भ धारण किए रखती है, कैसा प्रेम होता है, इतनी पीड़ा, सकच पीड़ा। और प्रेम देखिए था, एक सोहत की पंक्ति है, सुन ली, डांड मोरा टूटेला पटापट, पहले भी शायद सुना चुका हूं, डांड मोरा टूटेला, मेरी कमर पटापट टूट रही है, लामी किसी अब भुइया लोटे हो, नकली भूमि पे लोट रहे,
असह पजरवा के पीर, यह पाजर की पीर असह्य है, दंतव पसीना चूना, दांतों से पसीना चूना है, यह कविता है। यह एक माँ की लिखी हुई कविता है, यह प्रेम कविता है, जिसको वो गर्भ में रखे हुए उसके प्रति उसका प्रेम। दांतों से पसीना चूना हिंदी के किस कवि के पास ये भिन्न है, लेकिन यह एक प्रेम कविता है, एक स्त्री की लिखी हुई प्रेम कविता है। प्रिया जानी स्त्री, स्त्रियों नहीं तो रचे हैं अनंत तीन लोग की तो प्रेम आप अपने को जैसे ही खोलते हैं व्यापक करते हैं झरता है और सिंगार के फूल की तरह आपके जीवन। मुझे कहना ये चाहिए था कि आपने हजारों स्त्रियों से प्यार किया होगा, लेकिन जो मैंने अनुभव किया आपको स्त्रियों ने बहुत प्यार किया और इसमें आपके आपकी आपकी मासी मैं एक्चुअली असम से हूँ और मैं असमिया भाषा पढ़ के आई हूँ। वहाँ के माहौल में मैंने हिंदी पढ़ा और बाद में मैंने हिंदी में एमए भी कर लिया। मैं हिंदी में लिखती भी हूँ, लेकिन हमेशा मुझे मैं यहाँ की हिंदी समाज से अपने आप को कभी कभी बहुत कटा हुआ महसूस इसलिए करती हूँ कि लिखते समय हमेशा गलतियाँ करती हूँ, जेंडर की गलतियाँ खासकर। मैं अलग सवाल पूछती हूँ आपसे, किस तरह से मैं समानता की बात नहीं करूँगी, लेकिन किस तरह से ये जो आप समझ रहे हो ये भेद ये कैसे कम हो सकता है, कैसे मैं अपने आप को। बहुत 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 मौलिक सवाल है ये। भाषा जो है ना सिर्फ अक्षर नहीं है या ग्रामर नहीं, भाषा का संस्कृत से बहुत गहरा रिश्ता है। तो हिंदी में जब आप लिखती हैं तो जो भूलें होती हैं जेंडर के वो को बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, कोई सुधार नहीं। एक टीचर रख लीजिएगा हजार रुपया देखो आपकी भाषा सुधार वो महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण ये है कि आप जो लिखना चाहती हैं बात वो उस भाषा में कहाँ पाती है, वो उस भाषा में या असमिया में ज़्यादा कम्फर्ट फील करती है। अगर असमिया बंगला दोनों में मैं एकदम आत्मविश्वास के साथ करती हूँ, लेकिन हिंदी में भी मेरे जो कहना है साहित्य है वो सही है, लेकिन मैं ग्रामर कोई भी नहीं, खाली जेंडर में गलती करती हूँ और कभी भी समझ नहीं पाई कि हिंदी के जेंडर इतने कंफ्यूज। ये तो ग्रामर पढ़ने की चीज है ना, ये तो व्याकरण पढ़ने की चीज है, व्याकरण पढ़िएगा जान जाइएगा, हम तमाम लोग भी पढ़ने से ही जानते हैं, ज्यादा से ज्यादा पढ़िएगा जान, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। आप जो भी लिखना चाहती है उसको लिखते हुए आप जिस भाषा में ज्यादा कम्फर्ट फील करें आप लिखे, आपको लगता है असमिया में लिख सकते ज्यादा बढ़िया तो असमिया में लिखें। हिंदी में जब कुछ दिन लिखेंगे तो हो सकता है कि वो अभी आपके संस्कार में शामिल हो जाए तो नहीं, मैं लिखती तो हूँ और छप भी चुका है, सब कुछ हो चुका है, मेरे अंदर ये कमी है कि मुझे हमेशा लगता है कि मैं वो उस जगह पे नहीं जा सकती, कहीं कुछ करता है और करती है। उसके लिए एकदम अशुद्ध लिखिए, जितना लिख सकती है, अशुद्ध भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लिखिए, लिखा तो जाए, शुद्ध करने वाले तो गली गली होंगे। अभी भी देख लीजिएगा 100-150 रुपया शुद्ध करने वालों की कमी नहीं है। लिखना संकट का काम है, लिखना बड़ा काम है, वह हो जाए शुद्ध तो कोई कर देगा, है ना। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद सुलभ जी। सच में आप पूछ सकते हैं क्या एक छोटा सा पूछ लीजिए सर, आपने बताया कि बहुत जल्दी आप पटना आए थे, तो जब गांव से पटना आए इस बीच में कहीं भी आपने किसी अपने दोस्त का जिक्र नहीं किया और किसी खेल का जिक्र नहीं किया, तो अगर कुछ हो तो आप बताएंगे। खेल, हाँ, दोस्त तो बहुत सारे हैं, गांव के भी दोस्त हैं सब, जो आज शहरों में हैं वो भी हैं, जो गांव में हैं वो भी हैं, दोस्त हैं। और मैं अभी गई थी गाँव, मेरा गाँव, मेरे गाँव में इनका ननिहाल है, इनकी तो दोस्त हैं हमारे, बहुत सारे दोस्त हैं, लेखक जो मित्र हैं उनको थोड़ा दोस्त कम मानता हूँ मैं, और क्यों सब बात के हैं शुरू के नहीं हैं। थिएटर में बहुत सारे शुरू के दोस्त हैं,
दोस्त हैं बहुत सारे हैं, जीवन में शामिल हैं, दिनचर्या में शामिल हैं, सुबह शाम शामिल हैं। एक आध तो है कि ये जो व्हाट्सएप अभी आया हुआ है इसका दुरुपयोग करते हुए रोज सुबह शाम नमस्ते करते हैं और रोज डांट सुनते हैं। बहुत अच्छे दोस्त हैं, दो अच्छे दोस्त हैं, बचपन के दोस्त हैं, उनको नया नया शौक चढ़ा है, बहुत सारे दोस्त हैं। और खेल एक्चुअली हुआ क्या मेरे साथ, मैं तो गाँव का खेल खेलता था 13 साल 14 साल की उम्र में, जिनका नाम भी आपने आदि का नाम सुना होगा, बाकी का तो नाम भी नहीं सुना होगा आपको, मैं बताऊंगा। तो उस तरह के खेल खेलते जब शहर आया मैं, मेरे ऊपर इतने दबाव थे अपने को अप टू डेट करना, शहरियों से लांछित होते होते होने से अपने को बचाना, पढ़ाई में अपने को ठीक रखना, सांस्कृतिक की खेल छूट गया सर। लेकिन मैं अपने स्कूल के क्रिकेट टीम का सबसे बड़ा चीयर लीडर था और नाश्ता करने और नींबू और वो वॉलेंस उस पर सब मेरा अधिकार रहता था, वो मैं जाता था, वो इतना ही वरिष्ठ रहा। बहुत विस्तार से आपके जीवन और लेखन के विषय में हम सबको पता चला और ये और उत्सुक करता है हमें आपकी और कहानियाँ पढ़ने के लिए, और इसी आशा और इसी शुभकामनाओं के साथ कि हम आपको दिनों तक सालों तक पढ़ते रहें और आपका उपन्यास पूरा हो, हम आपसे विदा लेते हैं और आज की शाम की समाप्ति करते हैं। हमारे अतिथियों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आप हमारे परचम के पहले कार्यक्रम में समय निकाल कर आए, बहुत बहुत धन्यवाद। चाय के लिए आप सबको आमंत्रित करती हूँ। हमारा अगला कार्यक्रम मुक्तांगन का कविता कोश का है जो मार्च के दूसरे शनिवार को होगा, राम वृक्ष बेनीपुरी जी के ऊपर कार्यक्रम है। मैं आप सबको आमंत्रित करूँगी, लेकिन आज भी आपको आमंत्रित करती हूँ, याद आपको फिर दिला दूँगी। सुलभ जी, वंदना और प्रत्यक्षा, आप तीनों का बहुत बहुत हृदय से आभार, नमस्कार।